अब है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन और क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन जो है वो टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा इसको स्मार्टली सॉल्व करना होगा अदरवाइज इसका कैलकुलेशन बड़ा लेंथ जा सकता है तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है क्वेश्चन ये कहता है ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ टेन मीटर एंड मास सिक्सटीन के जी इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी सेवन डिग्री विद इट द वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शन लेस बट द ग्राउंड इज रफ ठीक है तो जो वर्टिकल वॉल है वो स्मूथ uh, है लेकिन ग्राउंड रफ है एन अलेक्ट्रीशियन वेइंग सिक्सटी के जी क्लाइम्ब्स ऑफ द लेडर एनअलेक्ट्रिशियन वेइंगी के जी क्लाइंब्स ऑफ द लेडर इफ़ ही स्टेज ऑन द लेडर एट ए पॉइंट एट मीटर फ्रॉम द लोअर एंड वॉट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लेडर बाय द ग्राउंड वॉट शुड बी द मिनिमम कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रीशियन टू वर्क सेफली वर्क सेफली का मतलब ये है कि लेडर स्लिप ना हो तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन लेडर और ग्राउंड के बीच में मिनिमम कितना होना चाहिए एक ये भी कैलकुलेशन करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सिचुएशन है पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ उसके लिए ये हमने बना लिया फ्लोर है और ये है वॉल ठीक एक लेडर बना लेते हैं यहाँ पर तो लेडर हम एक ड्रॉ करते हैं जो कि कितना एंगल बना रही है थर्टी सेवन डिग्री ये एक लेडर बना दी हमने ठीक ये है ये लेडर है अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है टोटल लेंथ गिवन है क्वेश्चन में इसकी 10 मीटर के बराबर और जो इलेक्ट्रिशियन है वो कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से लोअर एंड से 8 मीटर पर तो देखो जरा मैं क्या करता हूँ ये तो बनाया मैंने लेडर का सेंटर ये तो ये कितनी डिस्टेंस पर है ये है यहाँ से फाइव मीटर की डिस्टेंस पर और यहाँ से थ्री मीटर की डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिशियन तो ये डिस्टेंस है थ्री मीटर और यहां से टू मीटर की डिस्टेंस बची हुई है अब वॉल तक की लेडर की ये डिस्टेंस है टू मीटर ठीक है डायग्राम शायद ज्यादा छोटा हो गया इसको मैं बड़ा कर देता हूं अब मुझे ख्याल से ठीक ठाक दिख रहा होगा ये ठीक है ये सिचुएशन है अब इसका आ, लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कौन कौन से फोर्स इस पर लग रहे होंगे तो एक फोर्स तो लग रहा होगा आ, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लेडर के सेंटर ऑफ मास पर और ये कितना है ये होगा सिक्सटीन जी के बराबर क्योंकि लेडर का जो मास क्वेश्चन में गेवन है वो कितना गेवा निक्सटीन जी और इलेक्ट्रीशियन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है ये इसको मैंने पॉइंट ई e से दिखाया हुआ है ठीक है लेडर का एक एंड ए है दूसरा एंड है बी एंड ए पर दो कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स तो एक ही होगा कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे एक फ्रिक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो है ये वाला इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं कितना है एन ए के बराबर है और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहां पर वो फ्रिक्शन फोर्स मैंने बना लिया राइट right साइड में है और उसको नाम दिया मैंने एफ ए के बराबर अभी स्लिपिंग नहीं है इसलिए फ्रिक्शन कैसा होगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो एफ ए स्टैटिक फ्रिक्शन है और एन ए कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन है बी पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी यानी कि बी पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो है एन बी के बराबर तो इसको मैंने लिख लिया एन बी ठीक है ये वॉल के परपेंडिकुलर है ये ग्राउंड की परपेंडिकुलर है फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में इसलिए होगा क्योंकि इस लैडर की स्लिप होने की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी कहाँ पर है लेफ्ट में तो फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकेगा और राइट right साइड में लगेगा अब क्वेश्चन में जो हमसे पार्ट ए में पूछा है फर्स्ट पार्ट में हमसे जो पूछा है वो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि एन ए की वैल्यू कितनी है ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन हमको बताना है कितना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले इक्वेशन लिखते हैं और सिंस इक्विलिब्रियम पोजिशन यहाँ पर है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए एक्सलरेशन तो है नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो से तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं एक है एन ए और एक है अच्छा एक और फोर्स छूट गया है यहाँ पर एक इसकी वजह से लग रहा होगा इलेक्ट्रीशियन की वजह से और इलेक्ट्रीशियन की वजह से भी जो फोर्स लगेगा एक तो मैंने बना लिया इसको एन नॉर्थ कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा एन और इलेक्ट्रिशियन की वजह से लेडर पर फ्रिक्शन फ़ोर्स भी जरूर होगा क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिशियन स्लिप हो जाएगा नीचे तो एक फ्रिक्शन फ़ोर्स भी लग रहा होगा यहाँ पर उस फ्रिक्शन फ़ोर्स को मैं मान लेता हूँ एफ़ ई के बराबर ये एफ ई फ्रिक्शन फोर्स किस पर लग रहा है इलेक्ट्रिशियन पर तो रॉड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर बनाना चाहिए मुझे बनाना चाहिए नीचे की तरफ एफ़ ई तो ये फ्रिक्शन लग रहा है रॉड पर रॉड की वजह से इलेक्ट्रिशियन पर लगेगा ये ऊपर की तरफ यानी टूवर्ड्स पॉइंट बी और इलेक्ट्रिशियन की वजह से एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा आ, या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन ठीक है ये इसका फ्री फ्रीव डायग्राम हुआ लेकिन थोड़ा इसको स्मार्टली सॉल्व करना होगा हम जो एन और एफ एस इसके चक्कर में नहीं उलझना चाहते हैं इसको हम अवॉइड करेंगे कौन सा जो कि कॉन्टैक्ट कौ, फोर्स रॉड और इलेक्ट्रिशियन के बीच में है हम उसको अवॉइड करेंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूं उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूं रॉड प्लस इलेक्ट्रीशियन इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मानता हूं एज वन सिस्टम दोनों को मिला के मैंने एक सिंगल सिस्टम मान लिया रॉड प्लस इलेक्ट्रीशियन तो रॉड और इलेक्ट्रिशियन को अगर एक सिंगल सिस्टम लिया है अब फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज होंगे अब मैं पूरी रॉड नहीं बनाऊंगा मैं पॉइंट ही बनाता हूँ तब इसमें एक फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो इलेक्ट्रिशियन और रॉड को मिला के अगर हमने एक सिंगल सिस्टम मान लिया है तो इस पर जो फोर्स होगा वो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों का मास मिला के कितना है 76 सिक्स है तो ये सेवनटी सिक्स जी के बराबर फोर्स लगेगा इसके अलावा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में एक एन ए जैसा पहले लग रहा था वैसे ही अब लग रहा होगा एक एन बी लग जाएगा और राइट साइड में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एफ ए तो अगर हमने इन दोनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम ले लिया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम ये वाले जो फोर्स थे जो कि रॉड और इलेक्ट्रिशियन के बीच में लग रहे थे आपस में उन म्यूचुअल फोर्सेस को हमें यहाँ शो नहीं करना पड़ा अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखें तो हमको इक्वेशन मिल जाती है एन ए कितना जाता है सेवनटी सिक्स जी के बराबर ये इक्वेशन नंबर वन और एन बी कितना जाता है एन बी इक्वल टू एफ एक्वेशन नंबर टू तो क्वेश्चन में हमसे एक तो यही पूछा है फर्स्ट पार्ट में सेवन ये एन ए की वैल्यू क्या है ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है तो उसका तो आंसर आ ही गया उसका आंसर कितना हो जाएगा सेवनटी सिक्स जी के बराबर <coughs> <coughs> और वर्मा सर ने जो जी की वैल्यू ली है अलग से जब वो नहीं देते हैं तो उसको 9.8 पॉइंट लेके हमें सॉल्व करना होता है अच्छा अब हमको कैलकुलेट करना होगा इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है तो अननोन कितने नज़र आ रहे हैं हमको तीन एक एन ए नहीं पता एन भी नहीं पता और एफ नहीं पता तीन अननोन है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए सो एनदर इक्वेशन वी कैन फाइंड बाई दी एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क बाई यूजिंग द टॉर्क अब टॉर्क हमें लेना चाहिए ऐसे पॉइंट के अबाउट जहां पर कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल हो तो टॉर्क हम लेंगे इस पॉइंट ई e के अबाउट ठीक है तो टेकिंग टॉर्क टेकिंग टॉर्क जरा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लू टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ई जहाँ पर ये इलेक्ट्रीशियन खड़ा हुआ है तो उससे क्या होगा कि ये जो दो फोर्सेस हैं एफ ई ये एफ ई और ये एन जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिशियन और रॉड के बीच में और इलेक्ट्रिशियन और रॉड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसका टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी पॉइंट से पास होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा तो उसका टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा तो चलो अब हम लिखते हैं इक्वेशन क्या बनती है <coughs> तो सबसे पहले मैं लिखता हूं टॉर्क एन ए का तो एन ए का टॉर्क होगा एन ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एन ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है ये है एट मीटर और ये जो एंगल है यहाँ पर ये मैं बनाना भूल गया ये एंगल है फिफ्टी थ्री डिग्री के बराबर क्योंकि क्वेश्चन में जो एंगल थर्टी सेवन है वो किसके साथ है वॉल के साथ है थर्टी सेवन ये थर्टी सेवन है ये फिफ्टी थ्री डिग्री है तो ये एंगल अगर 53 है तो एन ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मैं यहां बना के दिखाता हूं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है ये जो मैंने लाइन खींची ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा एट कॉस फिफ्टी के बराबर और इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है इस टॉर्क का इस पॉइंट के अबाउट ये आएगा क्लॉकवाइज़ तो ये लिखा मैंने क्लॉक वाइज टॉर्क ठीक है इसका तो स्पेस इस ज़्यादा चाहिए तो जरा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ ये मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो ये एन ए इंटू एट कॉस फिफ्टी थ्री आ गया इसका टॉर्क अब बचा एफ ए तो एफ ए का टॉर्क हम लिखेंगे तो एफ ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है टॉर्क लिख रहे हैं हम इस पॉइंट के अबाउट इसके अबाउट तो जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की एफ ए की उस पर पर्पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एफ ए की लाइन ऑफ एक्शन तो भाई ये जा रही है यहाँ से ये लाइन ऑफ एक्शन है और परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है। कौन सी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आएगा एट साइन फिफ्टी थ्री तो एट साइन फिफ्टी थ्री और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या आएगा इसका सेंस ऑफ रोटेशन आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है एफ एस एंटी क्लॉक वाइज तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉक वाइज दो निपटा दिए अब तीसरा जो है सिक्सटीन जी इसका टॉर्क लिखना है तो सिक्सटीन जी इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सिक्सटीन जी इन अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी तो देखो केयरफुली कि मैं टॉर्क स्केब अबाउट निकाल रहा हूँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना है इसकी लाइन ऑफ़ एक्शन पर तो उसको क्या करो मैं अलग से बना के दिखाता हूँ अच्छा तुमको तो यहाँ देखो ये है उधर देख ना रॉड ये सेंटर ऑफ मास है और जिसके पॉइंट के वक्त मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ वो ये है ई और सिक्सटीन जी ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ठीक है <coughs> यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ये 53 है और ये जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक कि ये 3 मीटर है तो ये होगा 3 कॉस 53। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही 3 कॉस 53। 3 कॉस 53। थ्री और इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है सिक्सटीन जी का वो भी एंटी क्लॉक है तीन फोर्सेस का टॉर्क लिख रही अब किसका टॉर्क बचा अब बचा है एन बी का एन बी कहाँ लग रहा है एन बी लग रहा है ये वॉल से इधर तो इसको भी मैं तुम्हें तो अलग से बना के समझाता हूँ जरा देखो ये थी वॉल ये थी रॉड ये है इलेक्ट्रीशियन ठीक है और ये है एन बी और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है ये टू मीटर की डिस्टेंस है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे चाहिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इतनी और ये कितना है यहाँ से ये है टू मीटर यहाँ तक एंगल ये वाला है फिफ्टी थ्री डिग्री तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी टू साइन फिफ्टी थ्री ठीक है ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि ये टू साइन फिफ्टी थ्री है ठीक है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया उसको हटा देते हैं यहाँ से तो किसका टॉर्क था ये एन बी का तो एन बी इंटू टू साइन फिफ्टी थ्री तो ये यह मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा इसका सेंस ऑफ रोटेशन आएगा आ, एन बी इधर लग रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैं ऐसे हूँ एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो, तो ये भी आएगा एंटी क्लॉक अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है क्योंकि एंगुलर एक्सप्रेशन तो है नहीं तो इसलिए इसमें नेट टॉर्क कितना होगा जीरो होगा तो नेट टॉर्क कर देंगे हम जीरो तो हम क्लॉक को पॉजिटिव लेते हैं एंटी क्लॉक को नेगेटिव तो माइनस 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 और इक्वल टू कर दिया जीरो इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बचेगा एन ए एट एन ए और मैं इस पूरी इक्वेशन को कॉस 53 से डिवाइड कर देता हूं तो ये एट एन ए हो जाएगा और यहाँ से बचेगा एट एफ ए और साइन फिफ्टी थ्री अपॉन कास फिफ्टी थ्री तो ये टेन फिफ्टी थ्री हो जाएगा प्लस कॉस फिफ्टी थ्री कैंसिल हो गया ये होगा फोर्टी एट जी के बराबर और एन बी के साथ टू का मल्टीप्लीकेशन है तो टू एन बी और साइन फिफ्टी थ्री अपॉन कास फिफ्टी थ्री यहाँ पर भी आ जाएगा टेन फिफ्टी थ्री ये इक्वेशन बन गई टॉर्क की वजह से इसको मैं नाम दे देता हूँ ये इक्वेशन नंबर थ्री चाहो तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी <coughs> अब इसमें देखो एन ए जो है एन ए की वैल्यू कितनी है सेवेंटी सिक्स जी के बराबर है यहां से जो एन ए दिख रहा है आपको ये एन ए कितना है सेवनटी सिक्स जी है तो एन ए की वैल्यू रख देते हैं तो ये होगा एट इंटू सेवेंटी सिक्स जी इक्वल टू एन की वैल्यू को मैंने यहाँ से उठा के रखा है ना एफ किसके बराबर है एन के बराबर है तो एफ ए के बराबर है तो मैं यहाँ पर एफ की जगह कितना लिख दूंगा इसमें एन तो ये हो जाएगा एट एन बी टेन फिफ्टी थ्री प्लस फोर्टी एट जी प्लस टू एन बी टेन फिफ्टी थ्री अब ये सेवेंटी सिक्स इंटू एट तो इसको ज़रा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं सेवेंटी सिक्स इंटू एट तो ये आएगा सिक्स ज़ीरो एट और फोर्टी एट जी राइट साइड में था तो वो लेफ्ट में आएगा तो माइनस फोर्टी एट तो ये फाइव सिक्सटी बचेगा यहाँ पर तो ये हुआ फाइव सिक्सटी जी इक्वल टू राइट साइड में कितना है टू एन बी और एट एन बी टेन फिफ्टी थ्री तो ये जाएगा टेन एन बी इंटू टेन फिफ्टी थ्री डिग्री ये आया <coughs> अब इसको हम अब तो ये आएगा सॉल्व भी हो जाएगा ये सारा का सारा तो अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो तो एन बी की वैल्यू आती है फिफ्टी सिक्स अपॉन टेन फिफ्टी थ्री अच्छा जी बी है इसमें फिफ्टी सिक्स जी अपॉन टेन फिफ्टी थ्री तो एन बी इक्वल टू आएगा 56 सिक्स इंटू नाइन अपॉन टेन की वैल्यू होगी 4 बाई थ्री तो नीचे 4 ऊपर 3 अब इसके लिए फिर ज़रा कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा हमें तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं तो कितना आता है 56 सिक्स इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री बाई फोर कुछ मिस्टेक होगी दोबारा करते हैं फिफ्टी सिक्स इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फोर तो ये आएगा फोर वन वन पॉइंट सिक्स न्यूटन के बराबर तो ये एन बी की वैल्यू आ गई अच्छा क्वेश्चन में एन बी नहीं एफ एस पूछा था तो एन बी और एफ एस कैसे इक्वल है? है जितना एन बी है न्यूमेरिकली वही एफ एस के बराबर है इसके अलावा क्वेश्चन में एक पूछा है एन ए कितना होगा तो यहाँ से देखो एन ए कितना है सेवनटी सिक्स जी के बराबर यहाँ से ये एन ए कितना है सेवनटी सिक्स जी तो एन ए इक्वल टू सेवेंटी सिक्स जी की वैल्यू को रखा हमने नाइन पॉइंट एट तो एन ए आ जाएगा इसके लिए भी जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं सेवेंटी <coughs> सिक्स सेवेंटी सिक्स इंटू नाइन पॉइंट एट तो ये आता है सेवन फोर्टी फोर पॉइंट एट सेवन फोर्टी फोर पॉइंट एट और अप्रॉक्सीमेटली इसको लिखेंगे सेवन फोर्टी फाइव न्यूटन तो एक तो है ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन उसका आंसर है सेवन फोर्टी फाइव न्यूटन सेवन फोर्टी फाइव न्यूटन और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी कितनी वैल्यू आ गई है एन बी के ही बराबर है फ्रिक्शन तो फोर वन वन पॉइंट सिक्स न्यूटन या इसको फोर हंड्रेड ट्वेल्व न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया गया है तो एन बी इक्वल टू एफ एस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फोर हंड्रेड ट्वेल्व न्यूटन के बराबर तो ये कौन सा आंसर हो गया दूसरा वाला अब क्या पूछा है क्वेश्चन में उसमें यह भी पूछा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली तो मिनिमम कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए <coughs> तो मिनिमम कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए अब मुझे थोड़े स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं यहां से जरा डायग्राम हटाता हूं फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आई है अभी फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है एफ एस तो जो एफ एस है ये होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्सीम फ्रिक्शन फोर्स को जो वैल्यू आई है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो लिमिटिंग केस में या उससे कम होना चाहिए तो एफ एस तो कितना आया फोर हंड्रेड ट्वेल्व न्यूटन फोर हंड्रेड ट्वेल्व न्यूटन लेस देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्मम कितना होगा म्यू एन के बराबर और ये कौन सा वाला नॉर्मल होगा वो नॉर्मल होगा जहाँ फ्रिक्शन लग रहा था और वो कितना था एन ए था तो इसको हम लिखेंगे म्यू एन ए तो सॉल्व करने पर ये आएगा म्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू तो फोर हंड्रेड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एन ए एन तो तो ए कितना था सेवन फोर्टी फाइव न्यूटन तो म्यू ग्रेटर टू फोर हंड्रेड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एन एनि कि सेवन फोर्टी फाइव न्यूटन के बराबर फिर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसमें तो ये आएगा सॉल्व करके फोर हंड्रेड ट्वेल्व डिवाइडिड बाई सेवेन फोटी फाइव म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री ज़ीरो इस तरह का रिजल्ट आता है अब इसमें आंसर में क्या दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन <coughs> के साथ कुछ दिया होगा इसका आंसर पॉइंट फाइव फाइव थ्री दिया हुआ है काफ़ी क्लोज दिया हुआ है जो आ रहा है तो म्यू मिनिमम जो मिनिमम कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हमको चाहिए वो मिनिमम होगा जीरो पॉइंट फाइव फाइव थ्री ये हुआ आंसर थर्ड ठीक है तो इसका जो आंसर है एक तो ये आंसर हो गया ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था वो ये है फ्रिक्शन फोर्स जो ग्राउंड से लग रहा है वो न्यूमेरिकली एन बी के बराबर था उसकी वैल्यू 412 न्यूटन है और फ्रिक्शन कोफिशियंट मिनिमम हमको जो चाहिए वो होगा पॉइंट के बराबर ठीक है तो मुझे लगता है इसका प्रॉपरली डिस्कशन मैंने कर दिया है तो ये समझ में आ गया होगा और इसके कैलकुलेशन में जो हमको टाइम लगा है या एक्सप्लेन करने में जब ये क्वेश्चन हम अपने आप सॉल्व करते हैं या मैं अपना आप सॉल्व करता हूँ या कोई स्टूडेंट अपने आप सॉल्व करेगा तब इसको सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना होता है और मेरे दिमाग में वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टेंथ क्लास पास करके अभी एलेवेंथ क्लास में आए हैं और बेसिकली ये सोल्यूशन मैं उनको ध्यान में रख के बना रहा हूँ जो मेरे आ, साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्लास मैंने ली हुई है तो मुझे पता है कि उनकी वीकनेस कहाँ कहाँ है तो उनको ध्यान में रख के मैं ये सोल्यूशन या डिस्कशन ये करता हूँ ठीक है तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 टू क्वेश्चन नंबर 42 टू क्वेश्चन नंबर 41 वन से क्लोजली रिलेटेड है इसलिए इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे <coughs> इसमें सिचुएशन ये है कि सपोज द फ्रिक्शन कॉफिशियंट सपोज द फ्रिक्शन कॉफिशियंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लेडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पॉइंट फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ ए मैकेनिक हु कुड गो अप एंड डू वर्क फ्राम द सेम पोजिशन ऑफ द लेडर पहले इलेक्ट्रिशियन जिस पोजिशन पर था क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में उसी पोजिशन पर इन्होंने भेजा इस बार मैकेनिक को तो ये पूछ रहे हैं कि मकैनिक अगर उसी पोजिशन पर जाता है तो वो कितना मैक्सिमम वेट उसका हो जिससे कि लेडर स्लिप ना करे प्रोवाइडेड कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ पॉइंट फाइव फोर जीरो यानी कि इतना अगर कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एक पर्टिकुलर वेट से ज़्यादा वेट उसका होना नहीं चाहिए तो उसका हम एक डायग्राम रफ स्केच बना लेते हैं तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया इस डायग्राम में मैंने क्या क्या शो किया हुआ है देखो एक तो इस डायग्राम में ये तो हमने बना दिया ये ग्राउंड है ये वॉल है और ये है लेडर जो कि हॉर्जोंटल से 53 डिग्री का एंगल बनाती है फोर्सेस कौन कौन से दिखाए मैंने यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वॉल से एन बी फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन एन ए फ्रिक्शन फोर्स एफ ए राइट साइड में रॉड के सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा रॉड पर वो होगा सिक्सटीन जी के बराबर और इसकी वजह से जो मैकेनिक है इसकी वजह से भी फोर्सेस लगेंगे वो मैंने शो नहीं किए हैं इसमें पिछले क्वेश्चन में उनको शो किया हुआ था मतलब वो एक तो नॉर्मल यहाँ पर लगेगा एन और एक फ्रिक्शन फोर्स रॉड पर लगेगा नीचे की तरफ एफ ठीक है मैं इन दोनों फोर्सेस को अवॉइड करने के लिए कैलकुलेशन में मैकेनिक और रॉड दोनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम लूँगा और टॉर्क भी इसी पॉइंट के बाद लूँगा ठीक है तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देख देखा था कि सबसे बड़ी इक्वेशन जो बनती है वो किसकी बनती है टॉर्क की बनती है तो इस बार मैं उल्टा काम कर रहा हूँ मैं टॉर्क की इक्वेशन पहले बना रहा हूँ और टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ मैं टॉर्क ले रहा हूँ पॉइंट एम के अबाउट यानी जहाँ पर मैकेनिक है यानी मैं टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट लूंगा तो मैकेनिक की वजह से रॉड पर जो फोर्स लग रहे थे फ्रिक्शन और नॉर्मल इनका टॉर्क हो जाएगा जीरो तो टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट एम तो इसमें जो जो टॉर्क आएंगे पिछले क्वेश्चन से आप चेक कर लेना जिस तरह से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था ठीक वैसे यहाँ पर टॉर्क लग रहे हैं डायरेक्शन या सेंस ऑफ रोटेशन आप कहिए वो मैंशन है यहाँ पर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज़ को हम पॉजिटिव ले लें एंटी क्लॉक वाइज़ को नेगेटिव ले लें तो इक्वेशन फर्दर इस तरह से बन जाएगी ठीक है और जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे नेट और क्या है जीरो है तो इस तरह की इक्वेशन आएगी इसको डिटेल में समझना है तो आप पिछले फोर्टी वन क्वेश्चन पर चले जाइए इसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा और एडजस्टमेंट करते हैं और मैंने इसमें कॉस्ट फिफ्टी थ्री से इसको डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को तो यहाँ साइन फिफ्टी थ्री की जगह टेन फिफ्टी थ्री हो जाएगा ये कास्ट फिफ्टी थ्री कैंसिल हो गया ये साइन फिफ्टी थ्री की जगह पर टेन फिफ्टी थ्री हो गया ठीक इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर वन इसको अभी हम बाद में यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर वन को अब जरा ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन बनानी है तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ लैडर को और मैकेनिक को दोनों को मिला के एक सिंगल सिस्टम लेता हूँ और उसको एक सिंगल पॉइंट से दिखाता हूँ और इसका फ्री बॉडी डाइग्राम बनाऊँगा अब मैं <coughs> तो टेकिंग लैडर एंड मैकेनिक एज ए सिंगल सिस्टम ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसका बनाया और इसमें मैंने मान लिया है कि जो मास मैकेनिक का वो कितना है एम के बराबर है तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो होगा 16 प्लस एम इन जी के बराबर और ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो है एन ए ऊपर की तरफ वॉल से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा वो लेफ्ट साइड में है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर यानी ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लगेगा वो राइट right साइड में होगा जैसे कि पहले था ठीक है अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर तो हॉर्जोनटल डायरेक्शन में एन बी इक्वल टू एफ ए हो जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में एन ए कितना हो जाएगा सिक्सटीन प्लस एम जी के बराबर ठीक है ये आ गया <coughs> अब देखो क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि ये स्लिप ना हो लेडर स्लिप नहीं होना चाहिए तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है एफ ए एफ ए की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम या एट द मोस्ट बराबर होनी चाहिए तो हमने ये लिमिटिंग कंडीशन लिखी कि फ्रिक्शन फोर्स एफ ए मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू एफ ए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके बराबर होना चाहिए अदरवाइज स्लिपिंग हो जाएगी अब हम यहाँ एफ़ की वैल्यू रखेंगे और एफ मैक्सिमम की रखेंगे एफ़ की वैल्यू तो यहीं से दिख रही है एन के बराबर है और एफ मैक्सिमम कितना होगा ये होगा म्यू एन के बराबर म्यू एन ए एन ए क्यों आएगा क्योंकि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन है उसी पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन लिया जाता है तो अब यहाँ स्पेस कम है तो हमको बढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट uh, पेज की तरफ एन बी लेस इक्वल टू म्यू एन ए ये याद रखना ये वाले सेटअप की जरूरत पड़ेगी हम दोबारा आ जाएंगे इस पर अब इक्वेशन नंबर वन पर हम दोबारा से आते हैं ये इक्वेशन नंबर थी और इसमें हमने कुछ कुछ वैल्यू सब्टीट्यूट की एन ए की वैल्यू हमने रख दी एनए की वैल्यू कितनी थी सिक्सटीन प्लस एम इन जी के बराबर वो वैल्यू मैंने सब्टीट्यूट कर दी है आप चेक कर सकते हो एट टेन फिफ्टी थ्री और एफ ए की वैल्यू कितनी थी एफ ए आया था एन बी के बराबर तो एन बी की इक्वल रख दिया ये फोर्टी एट डी एज इट इज है और टू साइन टू टेन फिफ्टी थ्री एन बी एज इट इज तो इसमें एन बी की वैल्यू हम निकाल देते हैं कितनी होगी तो जल्दी से इसका भी कैलकुलेशन करते हैं तो सॉल्व करने पर एन बी की वैल्यू आ जाती है इतनी इक्वेशन नंबर फोर हमने इसको लिख दिया एन बी इक्वल टू तो इतना आएगा सिक्स जी प्लस पॉइंट सिक्स एम जी इक्वल टू तो एन बी के बराबर ठीक है अब फिर जो इनिक्विलिटी हमने लिखी थी उस पर आएंगे हम एफ कितना था एफ ए लेसर इक्वल टू एफ मैक्सिमम अब ये जो एफ है ये किसके बराबर था एन के बराबर था और एफ मैक्सिमम कितना है यह है म्यू एन ए के बराबर और एफ ए किसके बराबर है एन बी के बराबर तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर रख देंगे तो इसको हमने लिखा एन बी लेस देनर इक्वल टू म्यू एन एन बी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फोर से उठा के यहां पर रखेंगे और एन ए कितना है एन ए अभी आ चुका था एन ए इक्वल टू कितना आया था एम प्लस सिक्सटीन इंटू जी के बराबर तो ये वैल्यू सब्टीट्यूट करते हैं इसमें तो ये वैल्यू सब्टीट्यूट करने पर इसको हटा देते हैं तो एन बी लेस देनर इक्वल टू म्यू सिक्सटीन प्लस एम इंटू जी और इक्वेशन नंबर फोर से यहाँ एन बी की वैल्यू रख देते हैं तो एन बी की जो वैल्यू थी ये मैंने यहाँ रखी और फिर इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले गया हूँ और ये एज इट इज़ है यहाँ पर ठीक है अब मैं हो जाता हूँ थोड़ा लेफ्ट साइड में जिससे कि आपको ये कैलकुलेशन जो होगा वो दिखे और इसको हटा देते हैं यहाँ से तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी इस इक्वेशन की सिक्स प्लस पॉइंट सिक्स यानी जी को हमने क्या काम किया है? इसमें से कैंसिल कर दिया है दोनों तरफ जी कैंसिल हो गया यहाँ पर अब पॉइंट फाइव फोर को मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में अंदर मतलब ये जो पॉइंट फाइव फोर था इसको सिक्सटीन प्लस एम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सिक्स प्लस पॉइंट सिक्स एम एज इट इज रहेगा सिक्सटीन इंटू पॉइंट फाइव फोर प्लस पॉइंट फाइव फोर इंटू एम के बराबर इसको कैलकुलेट करने पर ये इतना आ जाता है पॉइंट जीरो सिक्स एम लेस देन आर इक्वल टू पॉइंट टू सिक्स फोर और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर दें डिवाइड करने के बाद तो यह आएगा एम लेस देन आर इक्वल टू फोर्टी फोर के जी के बराबर यानी कि जो मैकेनिक है उसका मास फोर्टी फोर के जी या उससे कम होना चाहिए तो मैक्सिमम मास कितना हो सकता है उसका एम मैक्सिमम आएगा इसका जो अच्छा मैं थोड़ा साइड हो जाऊं यहां से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये आया है ना एम लेसनर इक्वल टू फोर्टी फोर के जी के बराबर तो एम मैक्स कितना हो सकता है फोर्टी फोर के जी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्टी फोर के जी ये मैक्सिमम वैल्यू है अगर मैकेनिक का मास इससे ज़्यादा हुआ तो लेडर स्लिप हो जाएगी जो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है बस वो इतना ही तक संभाल सकता है इससे ज़्यादा मास के मैकेनिक्स को वो होल्ड कर नहीं पाएगा लेडर ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में जो सिचुएशन है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा डिफरेंट मेथड से फोर्टी वन फोर्टी टू और को भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते थे लेकिन हमने वहाँ पर एक नया मेथड सीखा अब यहाँ पर हम एक डिफरेंट मेथड सीखेंगे डिफरेंट अप्रोच सीखेंगे इसमें क्वेश्चन ये है कि ए 6.5 मीटर लॉन्ग लेडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल तो ये एक वर्टिकल वॉल है और ये हमने मान लिया कि एक लेडर है ये लेडर है ठीक है इसकी लेडर की जो लेंथ है ये लेंथ दी हुई है 6.5 मीटर और ये कितनी हाइट तक पर इसको टिका के रखा हुआ है सिक्स मीटर पर ठीक है ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसको किस हाइट तक आ, लेडर जो है वर्टिकली कितनी हाइट पर वॉल को टच करती है सिक्स मीटर पर तो ये दिया हुआ है सिक्स मीटर और लेडर की जो लेंथ है टोटल वो है सिक्स पॉइंट फाइव मीटर के बराबर ये क्वेश्चन ये सिचुएशन क्वेश्चन में हमको दी हुई है ए सिक्सटी केजी मैन स्टेंड्स हाफ वे ऑफ द लेडर तो एक सिक्सटी केजी का जो मैन है वो यहाँ पर लेडर के सेंटर पर यानी कि 6.5 मीटर बाय 2 वाली जो पोजीशन होगी इस जगह पर खड़ा हुआ है फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एग्जाइटेड बाय द मैन ऑन द लेडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लेडर तो जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है उस फोर्स का जो कि मैन ने लेडर पर लगाया हुआ है ठीक है और पार्ट बी क्या कहता है पार्ट बी कहता है अज्यूमिंग द वेट ऑफ द लेडर टू बी नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द मैन एंड एज्यूमिंग दी वॉल टू बी स्मूथ फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाई दी ग्राउंड ऑन द लेडर तो ग्राउंड ने लेडर पर कितना फोर्स लगाया ये भी निकालना है तो so, इसका अगर हम फ्री बड़े डाइग्राम बनाएं लेडर का तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे uh, इसको मैं पहले लिख देता हूँ ये है पॉइंट ए और इसको नाम दिया हमने पॉइंट बी तो यहाँ से एक कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस नॉर्मल रिएक्शन को हम नाम देते हैं एन ए के बराबर यह है नॉर्मल रिएक्शन एन ए और यह है नॉर्मल रिएक्शन एन बी मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है ठीक है तो ये थीटा निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है क्योंकि इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए ही ये लेंथ सिक्स मीटर और ये सिक्स पॉइंट फाइव मीटर दी हुई है लेडर की लेंथ तो पुराने क्वेश्चन में भी थी लेकिन कितनी हाइट पर इसको टिका के रखा गया है ये इसलिए दिया जिससे कि हम थीटा कैलकुलेट कर पाएँ जैसे कि अगर साइन थीटा निकालना हुआ हमें तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर 6 सिक्स एंड अपॉन हाइपिटोनियस सिक्स पॉइंट फाइव तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्सटी अपॉन सिक्सटी फाइव और सिक्सटी अपॉन सिक्सटी फाइव हो जाएगा ट्वेल्व बाई थर्टीन और इसी से अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा यानी वन फोर्टी फोर अपॉन वन सिक्सटी नाइन तो 169 सिक्सटी नाइन माइनस वन करेंगे 25 आ जाएगा तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कॉस् थीटा की वैल्यू आएगी 5 बाई थर्टीन के बराबर तो ये कॉस् थीटा की वैल्यू है साइन थीटा 12 बाई थर्टीन कॉस् थीटा 5 बाई थर्टीन के बराबर आ गया अब देखो इस क्वेश्चन में हमको अगर ये निकालना है कि मैन ने जो फोर्स एग्जिट किया उसका टॉर्क निकालो तो पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि मैन ने रॉड पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया तो मैं उल्टा कर रहा हूँ मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि रॉड ने मैन पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया तो अगर मैं मैन का बॉडी डायग्राम बना लूँ ये मान लो मैंने बना लिया मैन तो इस पर जो फोर्स लग रहे होंगे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सिक्सटी जी ठीक है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सिक्सटी जी और एक इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन तो उस नॉर्मल रिएक्शन को लिखा हमने एन और मैन इस पर स्लिप नहीं कर रहा है रोड पर स्लिप हो के नीचे नहीं आ रहा है स्लिप होके नीचे नहीं आ रहा है तो इस पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा तो मैन के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं एफ वन के बराबर ठीक है अब हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा बहुत इजीली देखा जा सकता ये एंगल थीटा है ये भी थीटा है तो जो कंपोनेंट आएगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स का ये आएगा 60g जी थीटा और यहाँ पर आएगा 60g जी साइन थीटा तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किस पर मैन पर एफ वन वो है 60g जी साइन थीटा के बराबर और जो नॉर्मल रिएक्शन है एन उसकी वैल्यू कितनी होगी एन इक्वल टू हो जाएगा 60g जी थीटा के बराबर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सिक्सटी जी थीटा हो गया और ये एफ वन है ये सिक्सटी जी साइन थीटा इक्वल क्यों लिखी हमने ये फोर्स क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो नॉर्मल रिएक्शन हुआ सिक्सटी जी थीटा के बराबर ठीक है अब देखो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना लेते हैं तो रॉड पर भी जो एक फोर्स लगेगा मैन की वजह से एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक फ्रिक्शन भी लगेगा जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ जैसा कि मैं बना रहा हूँ ये एफ वन ठीक है ये फोर्स किस पर है मैन पर रॉड की वजह से और ये फोर्स किस पर है रॉड पर मैन की वजह से ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हुए इसी तरह से ये नॉर्मल रिएक्शन मैन की वजह से रॉड पर है तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगा है मैन पर रॉड की वजह से ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ अब मुझे टॉर्क निकालना है एन का तो एन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है सिक्सटी जी थीटा पॉइंट बी के अबाउट या आप ये मानो कि इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मैन ने रॉड पर जो फोर्स लगाया उनका टॉर्क निकालो तो मैन ने रॉड पर दो फोर्स लगाए एक तो नॉर्मल फोर्स लगाया ये और एक फ्रिक्शन लगाया और पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क निकालना है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ वन इसकी नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट बी से ही पास हो जाती है F1 की नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट B से ही पास हो जाएगी इसलिए F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट B से ज़ीरो है तो F1 का टॉर्क कितना आएगा जीरो पॉइंट B के अबाउट टॉर्क किसका बचेगा केवल N का तो N का टॉर्क कितना होगा N का टॉर्क हम लिखेंगे ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई ये है सिक्स पॉइंट फाइव बाई टू मीटर के बराबर यानी थ्री पॉइंट टू फाइव मीटर है ठीक है तो टॉर्क ऑफ एन अबाउट पॉइंट बी तो बी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालेंगे तो हम लिखेंगे एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सिक्स पॉइंट फाइव बाई टू और एन की वैल्यू कितनी है सिक्सटी जी कॉस्टा इक्वेशन नंबर वन से ठीक है जरा मैं साइड हो जाऊं यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये सिक्सटी जी कॉस्थीटा है यहां पर एन की वैल्यू रख देते हैं सिक्सटी जी कॉस्थीटा तो सिक्सटी जी कॉस्थीटा इंटू सिक्स पॉइंट फाइव बाई टू कॉस्थीटा की भी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें तो जो टॉर्क हम निकालेंगे ये आएगा सिक्सटी जी को लिया मैंने नाइन पॉइंट एट वन कर लेते हैं थीटा की वैल्यू लिखी फाइव बाई थर्टीन और ये है सिक्स पॉइंट फाइव बाई टू और हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का और इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने पर आएगा सिक्सटी इंटू नाइन पॉइंट एट वन इंटू फाइव इंटू सिक्स पॉइंट फाइव और डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सिक्स तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली सेवन थर्टी फाइव आ जाता है ये आएगा सेवन थर्टी फाइव न्यूटन तो ये इसका आंसर होगा टॉर्क का लेकिन बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो सेवन फोर्टी न्यूटन मीटर दिया हुआ है और हमारा टॉर्क आ रहा है सेवन थर्टी फाइव न्यूटन मीटर ठीक है तब तो ये अप्रॉक्सीमेशन तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा कि हम 735 न्यूटन मीटर को 740 फोर्टी लिखें तो आ, हमारा जो आंसर है वो यही रहेगा कि जो टॉर्क है वो कितना है 735 न्यूटन मीटर के बराबर है यही हमारा आंसर है अब इतना अप्रॉक्सीमेशन भाई करने का मन नहीं करता कि 735 को हम 740 न्यूटन मीटर कर दें ठीक है इसमें इस क्वेश्चन इस के सारे आंसर में अप्रॉक्सीमेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो सेवन न्यूटन मीटर इसका आंसर हुआ इसके बाद पार्ट बी में पूछा है अज्यूमिंग द वेट ऑफ द लेडर टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मैन इन अज्यूमिंग वॉल टू बी स्मूथ फाइंड द फोर्स बाय द ग्राउंड तो ग्राउंड जो है दो फोर्स लगाता है लेडर पर एक तो एन ए लगा रहा है एन ए और एक फोर्स में स्टार्टिंग में बनाना भूल गया था वो है फ्रिक्शन फोर्स तो एक फोर्स लग रहा है यहां पर एफ ए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ठीक है तो एन ए वैल्यू कितनी आएगी अब अगर हम रॉड प्लस मैन दोनों को मिला के एक सिंगल बॉडी मान लें और उस सिंगल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा सिक्सटी जी और एक लग रहा होगा अपर डायरेक्शन में एन ए और राइट right साइड में फ्रिक्शन फोर्स हो गया एफ ए और लेफ्ट साइड में फोर्स कितना हो जाएगा एन बी के बराबर ठीक है तो एन ए की वैल्यू कैलकुलेट करना तो बहुत ही आसान है एन ए कितना है सिक्सटी जी के बराबर तो सिक्सटी इंटू नाइन पॉइंट एट लिखा हमने तो सिक्सटी इंटू नाइन पॉइंट एट सिक्सटी इंटू नाइन पॉइंट एट तो ये फाइव एटी एट आएगा फाइव एटी एट न्यूटन और ये क्वेश्चन में जो बुक में आंसर है वो 590 न्यूटन है इसका तो इसको अप्रोक्सीमेशन में हम मान लेते हैं 590 न्यूटन ठीक है ये अप्रोक्सीमेट इतना आंसर हो गया 590 न्यूटन के बराबर अब बचा है ग्राउंड से लगने वाला एक और फोर्स वो है फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है एफ ए होगा एन ए के बराबर यहाँ जो आप देख रहे हो राइट साइड में एफ है लेफ्ट साइड में एन बी है तो एन बी इक्वल टू एफ ए के बराबर है अब इनका कैलकुलेशन कैसे होगा इनका कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत है मुझे स्पेस की तो मैं यहाँ से चीज़ों को हटाता हूँ और इक्वेशन अब मैं लिखूंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की रॉड पर तो अगर रॉड में मास तो है नहीं तो रॉड और जो मैन है उसको अगर हम एक सिंगल बॉडी मान लें तो इस सिंगल बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स कौन कौन से हैं एक तो लग रहा है यहाँ से एफ ए एक लग रहा है अपवर डायरेक्शन में एन और एक सेंटर पर लग रहा है क्योंकि आदमी सेंटर पर ही है तो सिक्सटी जी और एक फोर्स हो जाएगा यहाँ से एन बी तो मैं टॉर्क तो जो टॉर्क है पॉइंट ए के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट एन और एफ का टॉर्क तो ज़ीरो होगा टॉर्क किसका बचेगा इसका सिक्सटी जी का ये वाला जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको देखना है इसमें मैंने रॉड और मैन दोनों को एक सिंगल बॉडी लिया है तो सिक्सटी जी नीचे लग रहा है तो इसका टॉर्क होगा ये सिक्सटी जी इंटू सिक्स पॉइंट फाइव बाई टू क्वास्थीटा और ये है क्लॉक वाइज सेंस में जो दूसरा टॉर्क है एन बी का वो है एन बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं हम इस पॉइंट के अबाउट तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली एन बी के टॉर्क में किस पॉइंट के बाद पॉइंट के अबाउट ठीक है तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा तो ये डिस्टेंस आएगी और ये डिस्टेंस है 6.5 पॉइंट थीटा के बराबर 6.5 पॉइंट थीटा और इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉक तो नेट टॉर्क ज़ीरो कर देंगे तो ये आता है एन बी इंटू सिक्स साइन थीटा इक्वल टू सिक्सटी जी इंटू सिक्स पॉइंट फाइव कॉस् थीटा अपॉन टू तो इसमें से सिक्स पॉइंट फाइव से सिक्स पॉइंट फाइव कैंसिल हो जाएगा एन भी इक्वल टू आएगा सिक्सटी जी अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ये होगा थर्टी जी और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी फाइव बाई थर्टीन और नीचे है साइन थीटा उसकी वैल्यू है ट्वेल्व बाई थर्टीन तो थर्टीन से थर्टीन कैंसिल ये होगा एन बी की जो वैल्यू आती है ये आता है वन फिफ्टी जी बाई ट्वेल्व वन फिफ्टी जी बाई ट्वेल्व अब जरा कैलकुलेटर यूज कर ले हम इसमें तो ये होगा 150 फिफ्टी 9.8 नाइन पॉइंट 12 तो ये 122.5 आता है तो ये आएगा 122.5 न्यूटन के बराबर तो एन भी आ गया यानी कि एक फोर्स जो ग्राउंड ने लगाया था वो आ गया वन सॉरी एन भी आया ये तो एन ही नहीं आया एन ए तो हम निकाल चुके थे अब देखो एन बी किसके बराबर है ये एफ ए के बराबर है यहाँ से देख लेते हैं ये एन बी लेफ्ट में लग रहा था और ये एफ ए राइट में लग रहा था लेडर पर तो एफ ए ये ग्राउंड में लगाया है पॉइंट ए पर तो एफ इक्वल टू तो कितना हो जाएगा एन बी के बराबर एफ इक्वल टू तो एन बी तो एफ ए कितना जाता है वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव न्यूटन तो तीन आंसर हुए हमारे पास एक 588 न्यूटन आया था जिसको अप्रॉक्सीमेटली 590 न्यूटन लिखा एन ए ग्राउंड ने लगाया था यहाँ पर है ना लेडर पर फिर एन ए सॉरी एन ए आया था 588 तो एन ए ग्राउंड ने लगाया फिर एफ ए हमने कैलकुलेट किया एफ ए एन ए के एन बी के बराबर है एफ ए किसके बराबर है ये एन बी के बराबर है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पाई ये 122.5 न्यूटन जबकि जो आंसर बुक में दिया है वो 120 ट्वेंटी न्यूटन है तो हम इसको मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर है टॉर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था हम लोगों का आंसर आ रहा है 735 न्यूटन मीटर और बुक में दिया है 740 लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो हमने कैलकुलेट किया है यही ज़्यादा सही मानेंगे हम और ये है सेवन न्यूटन के बराबर तो इसका डिस्कशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या सिचुएशन है उसको पढ़ लेते हैं एक बार द डोर ऑफ एन एलमिरा इज सिक्स फीट हाई 1.5 पॉइंट फाइव फीट वाइड एंड वेज इज एट के ठीक है हाइट सिक्स फीट 1.5 पॉइंट फाइव फीट वाइड और वेट कितना है उसका एट के या एट न्यूटन कह सकते हो द डोर इज सपोर्टेड बाई टू हिंजे सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ वन फीट फ्रॉम द एंड डोर के जो एंड है उनसे जो हिंज है वो वन फीट डिस्टेंस पर है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिंजेटेड एक्जर्टेड बाई हिंजेज ऑन द डोर आर इक्वल फाइंड दिस मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में यह नोट करिएगा इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गेवन है कि दोनों हिंजेस से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल लेके फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन की डायरेक्शन में तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि हम एक डायग्राम बना लेते हैं यहां पर तो ये मैंने एक डायग्राम बना लिया जिसमें कि एक डोर नजर आ रहा है आपको ये एक डोर है इसकी हाइट क्वेश्चन में कितनी दी है सिक्स फीट के बराबर दी हुई है विथ कितनी दी है इसकी ये है वन पॉइंट फाइव फीट और दो हिंज भी मैंने डायग्राम में शो की हुई है ठीक है एक हिंज ये है एक ऊपर वाली हिंज है अब डोर जो है वो इक्विलिब्रियम में है दोनों तरह के इक्ब्रियम है यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इसलिए नेट टॉर्क कितना होगा जीरो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है इसलिए नेट फोर्स जीरो होगा ठीक है अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो भी इसमें डायग्राम में मैं शो करता हूँ तो ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी और फ्री बॉडी डायग्राम वो हमने बना लिया तो उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ ये तो सिक्स फीट की हाइट दी हुई थी और जो हिंज है वो लोअर एंड से कितना ऊपर है वन फीट की डिस्टेंस पर है ये जो ऊपर वाली हिंज है ये अपर एंड से वन फीट की डिस्टेंस पर है और दोनों हिंज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फोर फीट हो जाएगा ये हमने मान लिया है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है इसका और सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स है एम ऊपर वाली जो हिंज है उससे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन वन दूसरा नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन टू देखो हम क्या करते हैं नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स तो एक ही लगेगा लेकिन कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट कर लिए हमने एक हॉर्जोंटल कंपोनेंट कर लिया एन वन एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लिया एन टू अब एन वन की डायरेक्शन मुझे नहीं पता एक्जैक्टली exactly यह राइट right साइड है कि लेफ्ट साइड है लेकिन अगर हमको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो सॉल्व करने के बाद वो अपने आप विथ प्रॉपर साइन आ जाएगा एन टू की डायरेक्शन तो डेफिनेटली अपवर्ड ही होगी क्योंकि उसको वेट को बैलेंस करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है एक जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस इंच की वजह से इसके भी दो कॉम्पोनेंट करके मैंने लिख दिए एक कॉम्पोनेंट है एन फोर और दूसरा कॉम्पोनेंट कितना लिखा है मैंने एन थ्री के बराबर ठीक है और ये वेट है इसकी वन पॉइंट फाइव फिट और ये हाइट सिक्स फीट और ये जो एम है ये किसके बराबर होगा एट जी के बराबर क्योंकि मास एट के जी दिया हुआ था अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं तो जो पहली इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो ये है कि हिंज से लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा अंडर वुड एन वन एन टू स्क्वायर और इसका जो रिजल्टेंट है ये होगा अंडर वुड एन थ्री एन फोर स्क्वायर ये दोनों इक्वल होंगे तो इस इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं तो ये मैंने लिख लिया इसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो लिखते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो जो फोर्सेज हैं वो हमने लिख लिए एन टू प्लस एन थ्री इक्वल टू तो कितना है? एट जी के बराबर हॉर्जोनटल डायरेक्शन में भी दो फोर्स दिख रहा है हमको एक, एक एन वन और एक एन फोर इन दोनों का वैक्टर सम कितना होना चाहिए जीरो क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो एन फोर प्लस एन वन इक्वल टू तो जीरो एक इक्वेशन ये आ जाती है और इससे हमको पता चला कि एन वन इक्वल टू तो माइनस एन फोर के बराबर है ठीक है और कॉमन सेंस भी है कि दोनों हिंज की वजह से हॉर्जोटल फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर तो डोर एक्सलेट हो जाएगा तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और इसमें से कौन सा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये भी बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि मान लो अगर इस डोर में ऊपर वाली हिंज ना होती ठीक है अपर हिंज़ अगर ना होती इसमें तो ये जो डोर है इस तरह से घूम के गिरता है ना जो डोर है ये किस तरह से ऐसे नीचे आता तो जो ऊपर वाली हिंज है बेसिकली इस डोर को इधर की डायरेक्शन में खींचेगी तो जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा होगा एन वन और एन फोर में एन वन फोर्स किधर होगा लेफ्ट साइड में लग रहा होगा जिससे कि डोर को वो इस तरह से गिरने से रोके डोर की टेंडेंसी होगी कैसी घूम के गिरने की जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से अगर ये वाली हिंज हम हटा दें तो इस वाली हिंज के अबाउट नीचे वाली हिंज के अबाउट डोर क्या होगा रोटेट करके नीचे आने की कोशिश करेगा तो उसकी टेंडेंसी तो अभी भी इसके अबाउट रोटेट करने की तो रोटेट कौन नहीं करने दे रहा है या आगे की तरफ कौन नहीं घूमने दे रहा है ये ऊपर वाली हिंज तो अपर हिंज से जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में होगा एन वन ठीक है तो हमको इसकी डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं वो सॉल्व करके अपने आप आ जाती है अगर हमको डायरेक्शन क्लिक नहीं कर रही है तब भी अब क्या करते हैं हम अब देखो इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे हमको एक चीज और कैलकुलेट हो जाती है कि अगर एन वन इक्वल टू एन फोर आ गया है अगर यहां से एन वन इक्वल टू एन फोर आ गया है मैग्नीट्यूड में ही आया है एन वन इक्वल टू एन फोर तो इक्वेशन नंबर वन में अगर हम ये वैल्यू रख दें एन वन इक्वल टू एन फोर तो यहाँ पर तो स्क्वायर है तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता तो ये एन वन और एन फोर कैंसिल हो जाएगा और इससे क्या पता चलेगा हमको कि एन टू और एन थ्री भी इक्वल है तो एन वन इक्वल टू माइनस एन फोर होना यानी इन दोनों को मैग्नीट्यूड का इक्वल होना ये बताता है कि एन टू और एन थ्री का भी मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल है तो एन टू और एन थ्री दोनों का मैग्नीट्यूड हमने इक्वल कर दिया और अगर एन टू और एन थ्री को हम इक्वल रख दें इसमें तो ये टू एन टू प्लस टू एन या टू एन एन थ्री इक्वल टू कितना जाएगा एट जी के बराबर तो इसको आगे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर टू की हेल्प से टू एन टू या टू एन थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा एट जी के बराबर समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं एन टू इक्वल टू एन थ्री है तो अगर मैंने एन टू की जगह इसमें एन थ्री रख दिया इस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर मैं एन थ्री रख दू एन थ्री प्लस एन थ्री इक्वल टू कितना हो एट जी यानी कि टू एन थ्री इक्वल टू एट जी के बराबर तो टू 8g थ्री एट जी आ जाएगा या सिमिलरली टू एन टू कितना जाएगा एट जी के बराबर तो टू एन टू इक्वल टू टू एंड थ्री इक्वल टू एट जी आ गया इससे एन टू और एन थ्री दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और वो कितनी है फोर जी के बराबर तो एन टू और एन थ्री दोनों की वैल्यू हो जाती है फोर जी अगर हम जी की वैल्यू को टेन ले लें तो यहीं पर हमको एन टू या एन थ्री कितना मिल जाएगा फोर्टी न्यूटन के बराबर अब हम बढ़ते हैं इसके आगे अभी मैं जी की वैल्यू रख नहीं रहा हूँ ठीक है जी की वैल्यू सबसे लास्ट लास्ट पर रखूंगा अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी टॉर्क की अब हम लेंगे टॉर्क अबाउट द लोअर हिंज हम चाहे तो टॉर्क इस डायग्राम में लोअर हिंज के अबाउट भी ले सकते हैं टॉर्क चाहे तो हम इसके अबाउट भी ले सकते हैं इस हिंच के अबाउट टॉर्क चाहे तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ले सकते हैं लेकिन जब भी टॉर्क की इक्वेशन लिखें हम तो हमको ध्यान रखना चाहिए या प्रिफरेंस प्रीफर करना चाहिए ऐसे पॉइंट को जिस पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पास हो रहे हैं जिस पॉइंट से ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स होंगे उस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा और कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा तो अगर लोअर हिंच के अबाउट मैं टॉर्क लेता हूँ तो इन दो फोर्सेज का एन और एन का टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहीं से दिख रहा है जीरो ठीक है इसके अलावा ये जो एन टू है इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी कहाँ से पास होगी इसी हिंज से पास होगी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ देखो ना जरा डायग्राम में ये मैंने एक्सटेंड किया तो एन टू की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी यहीं से पास होती है तो एन टू का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोअर हिंज से कितना है जीरो तो अल्टीमेटली तीन फोर्सेज के टॉर्क जीरो हो गए कौन कौन से तीन फोर्सेज के एन थ्री एन फोर और एन टू तो बचा कौन कौन सा एन वन और एम जी तो हमें केवल एन वन और एम जी का टॉर्क लिखना पड़ेगा तो एन वन का टॉर्क कितना होगा लोअर हिंज के अबाउट उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एन वन इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लोअर हिंज से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें हम तो ये देखिए फोर फीट के बराबर है ठीक है ये डिस्टेंस कितनी है फोर फीट के बराबर और सेंटर ऑफ मास का टॉर्क कितना होगा तो हिंज से अगर हम जाएंगे लोअर हिंज से सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 पॉइंट बाई टू के बराबर आएगी ये 1.5 पॉइंट बाई टू है ठीक है अच्छा जो डायरेक्शन है एन वन और एन आ, एम जी की उसके अकॉर्डिंग दोनों के टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आ रहा है सेम आ रहा है क्लॉक वाइज आ रहा है ये भी क्लॉक वाइज और ये भी क्लॉक वाइज हालांकि मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एन वन का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है और एक्चुअल में इसका जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉक वाइज आएगा ठीक है लेकिन वो सॉल्व करके अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है अगर हम डायरेक्शन सही नहीं लिए तब भी बस कॉन्सेप्ट सही लगना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं हम टॉर्क लिखते हैं तो ये हो जाएगा एन वन इंटू फोर इंटू एट जी इंटू वन पॉइंट फाइव बाई टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी इक्वल टू जीरो इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे सॉल्व करने पर एन वन की वैल्यू आती है माइनस वन पॉइंट फाइव जी तो अब एन वन नेगेटिव आ गया यानी कि एन वन की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है अब अगर हमारे पास एन वन आ गया है तो अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं यहाँ पर हिंज फोर्स का चाहे तो हम इस वाले हिंज फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दें चाहे नीचे वाले हिंज फोर्स का रिजल्टेंट निकाल दें दोनों से आंसर आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये गेवन था कि दोनों हिंज जो फोर्स लगाती हैं डोर पर उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो हम ऊपर वाली हिंज का मैग्नीट्यूड अभी निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली हिंज ने जो फोर्स लगाया वो होगा अंडरवुड एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्ट्यूड कर देते हैं तो एन वन कितना था एन वन था माइनस वन पॉइंट फाइव जी इसकी वैल्यू हमने यहां पर रखी ठीक है एन टू कितना था ये फोर जी था इसकी वैल्यू हमने यहां पर रखी ठीक है इसको रखा और इसकी वैल्यू रखने के बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं g को मैंने इसमें से कॉमन निकाल दिया या जी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा g और अंदर बचेगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के बराबर और ये हो जाएगा अंडर रूट 18.25 और उसको सॉल्व करने के बाद आता है अंडर रूट फोर जी अगर जी की वैल्यू हम टेन रख दें तो ये इसका आंसर आएगा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्टी न्यूटन के बराबर नॉर्मल रिएक्शन या हिंज ने जो फोर्स लगाया है कॉन्टैक्ट फोर्स उसकी वैल्यू कितनी आती है फोर्टी टू पॉइंट सेवन न्यूटन के बराबर और अब हम करेंगे अप्रॉक्सीमेशन क्योंकि बुक में जो आंसर दिया है इसका फोर्टी थ्री दिया है तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं फोर्टी थ्री न्यूटन के बराबर तो ये हुआ इस क्वेश्चन का डिस्कशन मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इसको एक्सप्लेन करने में ऐसी कोई चीज़ छूटी नहीं है जिससे कि आपको ये समझ में ना आए तो मैं इसको करता हूँ यहीं पर कंप्लीट और बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव में ये जो सिचुएशन है वो ये है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ रोलर शोन इन फिगर फाइंड द फ्रिक्शन कॉफिशेंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड ऑफ लोअर एंड इफ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द इज थीटा तो इसमें यह कहा है इन्होंने कि ये जो एंगल थीटा है ये मिनिमम है अगर इससे छोटा एंगल रॉड बनाती है तो ये स्लिप हो जाएगी अगर ये सिचुएशन है तो हमको बताना है कि यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है ठीक है तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक चीज ध्यान रखना कि रॉड की जो लेंथ है एल वो कहाँ तक है रॉड की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और जो रोलर है वो यहाँ रखा हुआ है ठीक है अगर चाहें तो मैं एक डायग्राम अलग से बना लेता हूं यहां। इस डायग्राम की हमें पढ़ने वाली है ज़रूरत तो इसको हम रखते हैं इसको कर देते हैं अभी साइड में अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे एक तो देखिए इस पर जो फोर्स होगा रॉड पर अच्छा रॉड को मैं दोबारा से मैंशन कर दूँ कि रॉड कौन सी चीज़ है ये रॉड है यहाँ तक रोलर के ऊपर ठीक है ये रॉड है रॉड के सेंटर पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो रॉड का जो सेंटर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी तो सेंटर रॉड का कहाँ से कहाँ तक होगा ये ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके पूरा नीचे तक उसका सेंटर रॉड का सेंटर या सेंटर ऑफ मास होगा ठीक है ये जो दो पॉइंट है इसके ठीक बीच में जो पॉइंट आया ये ये सेंटर ऑफ मास होगा ध्यान रखना कि ये जो पोर्शन है इसके सेंटर बीच में नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास टोटल रॉड की जो लेंथ है रॉड की जो टोटल लेंथ है उस लेंथ के सेंटर पर हमने लिया है यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि ये कितनी है एल बाई टू है तो एल को मैं हटाई देता हूँ यहाँ से एल बाई टू डिस्टेंस ही बनाता हूँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ इस डिस्टेंस को मैं बनाता हूँ और ये डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू के बराबर ठीक है ये एल बाई टू है और यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो ये एल बाई टू है ठीक है अच्छा अब ये पॉइंट हमने मान लिया नीचे ए है और रोलर वाला जो पॉइंट है जो कि रॉड का वो पॉइंट जो रोलर के साथ कांटेक्ट में उसको हम मान लेते हैं वो कितना है बी पॉइंट है ठीक है उसको हम बी लिखेंगे पहले पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है बी और जो हाइट है वो कितनी है गिवन है क्वेश्चन में एच के बराबर तो पॉइंट ए पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन में बना देता हूँ यहाँ पर इसको नाम दिया मैंने एन ए पॉइंट बी पर जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा वो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा और वो नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में ये है एन बी अब रॉड अगर स्लिप नहीं हो रही है इसके स्लिप होने की टेंडेंसी है एंड ए की लेफ्ट साइड में तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा राइट right साइड में तो जो फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट ए पर लग रहा है उसको नाम दिया मैंने एफ ए के बराबर ठीक है अब सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है इसलिए हम सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं और उसमें हम लिखेंगे अच्छा पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं उसको लिखने से पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक एन ए है और एक एम जी है और एन बी का एक कॉम्पोनेंट आएगा एन तो बी का कॉम्पोनेंट कितना होगा ये थीटा ये थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा के बराबर ठीक <coughs> है तो एन ए वर्टिकली अपर डायरेक्शन में प्लस एन बी का कॉम्पोनेंट वर्टिकली अपर डायरेक्शन में कितना एन बी कॉस थीटा एन बी थीटा, और ये किसके बराबर होगा एम जी के बराबर ठीक है यह है इक्वेशन नंबर वन अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं इक्वेशन यहां पे अदरवाइज दिखेगी नहीं आपको तो ये मैंने लिखा न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन या नेट फोर्स इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन तो है नहीं यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो होगा तो एन ए प्लस एन बी थीटा इक्वल टू एम जी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशन बनेगी तो एन बी का कॉम्पोनेंट लेफ्ट साइड में आता है यहाँ पर आ जाएगा एन बी साइन थीटा और ये कितना था एन बी थीटा तो एनबी साइन थीटा इक्वल टू एफ ए के बराबर आएगा तो ये होगा एफ इक्वल टू एन बी साइन थीटा एफ ए इक्वल टू एन बी साइन थीटा है ना एक तो ये भी होगा और एंगल वो एक बार फिर चेक कर ले हमने एंगल में तो गड़बड़ नहीं की है थीटा में ऊपर जो बनाया हुआ है इस एंगल को ये थीटा था और ये एंगल थीटा होगा ये 19 ठीक है अब इसमें अननोन क्वांटिटीज कितनी नजर आ रही हैं हमको एन ए नहीं पता एन बी नहीं पता एफ ए नहीं पता तीन अननोन है अब हमको अच्छा निकालना है जो वो भी अननोन है अभी वो तो दिखाई नहीं हमको वो क्या है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन तो रॉड अगर जस्ट स्लिप होने वाली है इस समय इस समय रॉड इज़ जस्ट अबाउट टू स्लिप तो रॉड अगर स्लिप होने वाली है तो यहाँ पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर हम ले लेंगे तो फ्रिक्शन एफ ए को कितना लिखेंगे म्यू एन के बराबर और एन कौन सा आएगा एन ए आएगा क्योंकि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है उसी पॉइंट वाली नॉर्मल रिएक्शन ली जाती है तो म्यू एन इक्वल टू एन बी साइन थीटा यह है इक्वेशन नंबर थ्री अभी भी जितनी इक्वेशन अननोन है उतनी इक्वेशंस नहीं है हमारे पास तो अब हम लेते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए तो टेकिंग टॉर्क टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए देखो टॉर्क हम कई सारे पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं ए के अबाउट भी ले सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी ले सकते हैं बी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क लिया जा सकता है लेकिन टॉर्क लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लेते हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पास हो रहे हैं तो कैलकुलेशन कम करना पड़ता है तो यहाँ पर पॉइंट ए हमारा प्रेफरेबल पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से दो फोर्स पास पास होते हैं एक एन ए और एक एफ ए तो एन ए और एफ ए दोनों का टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा टॉर्क हमें केवल एम जी का और एन बी का लिखना पड़ेगा तो पॉइंट के अबाउट में टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूँ तो टॉर्क की इक्वेशन में एम जी का टॉर्क कितना होगा एफ ए और एन ए का टॉर्क तो ज़ीरो हो गया अब किसका टॉर्क आएगा आ, एम जी का तो एम जी की लाइन ऑफ एक्शन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कौन सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से एम जी की लाइन ऑफ एक्शन की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये होगी एल बाई टू थीटा के बराबर तो एम जी इन टू एल बाई टू क्वास्थीटा इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो आएगा क्लॉकवाइज ठीक है अब हम टॉर्क निकालेंगे एन बी का तो एन बी के कॉम्पोनेंट्स का अलग अलग टॉर्क निकालने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे एन बी का ही टॉर्क निकाल देते हैं पॉइंट ए के अबाउट तो एन बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आएगी ये इतनी एन बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो ये वाली आएगी यहाँ तक की तो हमको एच पता है और थीटा पता है तो ये हाइपोटेनियस कितना आएगा मतलब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना है आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लो इसमें परपेंडिकुलर मालूम है हाइपोटेनियस आपको निकालना है ठीक है तो साइन थीटा हम यूज़ कर लेंगे तो इससे साइन थीटा इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एच और हाइपोटिनियस को मैं लिख लेता हूं हाइपो तो हाइपो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एच बाई साइन थीटा या ए बी जो लेंथ है वो ए बी लेंथ कितनी आई यहां से यहाँ तक कि ए बी लेंथ ये आएगी एच बाई साइन थीटा मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ जरा तो एच बाई साइन थीटा के बराबर है ठीक है तो टॉर्क हम एन का लिखेंगे एन इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी एच बाई साइन थीटा देखो एन बी के जो दोनों कंपोनेंट्स है दोनों के सेपरेटली टॉर्क निकालो तब भी यही आएगा लेकिन हम दोनों के कंपोनेंट्स कर एन बी के कंपोनेंट्स के टॉर्क ना निकाल के एक ही बार में एन बी का निकाल लेते हैं ठीक है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना और ए पॉइंट से एन बी की जो डिस्टेंस है ए बी ये परपेंडिकुलर ही है इस पर एन बी पर ठीक है तो एंगल का चक्कर भी नहीं है डायरेक्ट इस ए बी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया कितना टॉर्क एन बी इंटू एच बाई थीटा इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है ये एंटी क्लॉक टॉर्क मिलके कितना होना चाहिए जीरो यानी दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा इक्वल एक क्लॉक है एक एंटी वाइज है तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है इस इक्वेशन से हमको क्या हेल्प मिलेगी एन बी हमको मिल जाएगा कि एनबी कितना है इससे एन बी की वैल्यू आती है एम जी एल बाई टू इंटू साइन थीटा cos थीटा अपॉन एच के बराबर ये इक्वेशन नंबर हमने लिख लिया फोर बस अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें तो म्यू की वैल्यू निकल आएगी अब जैसे एन बी की वैल्यू मैं रख देता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री में यहां से उठा के एन बी की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर थ्री में हमने रखी तो ये होगा म्यू एन ए इक्वल टू एन बी साइन थीटा तो एन बी साइन थीटा मतलब एन बी की वैल्यू है एम जी एल बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एच अब इसमें साइन थीटा से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वेशन नंबर फाइव तो आपके पास एन ए भी आ गया है एन बी भी आ गया है अब एन ए और एन बी दोनों की वैल्यू हम किसमें रख दें इक्वेशन नंबर वन में तो इक्वेशन नंबर वन में एन ए की वैल्यू आएगी मैं रखता हूं इसको अच्छा मैं अलग अलग पूरी वैल्यू ना रखे और पहले मैं इक्वेशन नंबर थ्री से रख देता हूं इक्वेशन नंबर वन में तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा एन ए की वैल्यू एन बी साइन थीटा अपॉन म्यू ठीक है यहां से इक्वेशन नंबर थ्री से एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन बी साइन थीटा अपॉन म्यू तो इक्वेशन नंबर वन में मैं रख रहा हूं ध्यान रखना तो एन बी साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस एन बी कॉस्ट थीटा इक्वल टू एम जी ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा इसलिए कर किया मैंने मैं फिर बता दूं मैंने क्या किया है इस इक्वेशन से मैंने लिखा ही है ठीक है और इसमें मैंने एन ए की वैल्यू निकाल के यहां पर रख दी है यहां से एनए की वैल्यू कितनी आएगी एन बी साइन थीटा बाई म्यू ये मैंने क्वेश्चन नंबर वन में रख दी तो इतना आया अब इसमें से हम एन बी को ले लेते हैं कॉमन तो एन बी को अगर हम कॉमन ले लें तो एन बी इंटू ये बचेगा साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस थीटा इक्वल टू एम जी तो ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हम डायरेक्ट एन बी की वैल्यू यहां से उठाएंगे और इसमें रख देंगे हम हमको एन की वैल्यू दोबारा नहीं रखनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर फाइव जो था मैंने एन निकाला था मैं उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है और स्पेस क्रिएट करने के लिए जरा मैं ये बाकी चीज भी यहाँ से मिटा देता हूँ अब मेरा काम क्या है एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर से उठा के यहाँ से इसमें मैं रख रहा हूँ एन की वैल्यू तो ये कितना था एम जी एल साइन थीटा कॉस्थीटा अपॉन टू एच ये एन की वैल्यू थी और नीचे ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है ये लिख देता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन म्यू प्लस कॉस् थीटा इक्वल टू एम जी ठीक है अब इस इक्वेशन को भी मैं भाई यहाँ से मिटा रहा हूँ तो इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से अब देखो आगे क्या होगा ये जो एम जी है इससे एम जी कैंसिल हो जाएगा हमको कैलकुलेट क्या करना है म्यू की वैल्यू निकालना है ठीक है तो म्यू की वैल्यू निकालना है तो वो सारी टर्म्स हम एक एक तरफ कर देते हैं जिनमें म्यू नहीं है तो ये होगा थीटा अपॉन म्यू प्लस थीटा इक्वल टू और ये टू एच ऊपर पहुंच जाएगा नीचे हो जाएगा एल थीटा इंटू थीटा के बराबर अब ये होगा फर्दर साइन थीटा अपॉन म्यू इक्वल टू टू एच अपॉन एल साइन थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा और इसको अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा सॉरी एल सिम लेके सॉल्व कर देते तो हो जाएगा टू एच माइनस एल साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा टू एच माइनस एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एल साइन थीटा कॉस थीटा और अब ये साइंथीटा अपॉन म्यू है यहां पर और राइट right साइड में है टू एच माइनस एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अच्छा ये स्क्वायर थीटा कहाँ से हो गया अच्छा अभी एल सी एम लेने के बाद तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है इसको सॉल्व करने पर म्यू इक्वल टू आ जाएगा एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस्थ थीटा अपॉन टू एच माइनस एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है तो ये हो गया भाई कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू तो इसमें केवल कैलकुलेशन थी कॉन्सेप्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था इसमें एल थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू एच माइनस एल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा यही आंसर दिया हुआ है बुक में भी तो ये हुआ इस क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कुछ नहीं था केवल कैलकुलेशन ही थी बाकी कुछ है नहीं अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब है क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने और क्वेश्चन नंबर 46 की सिचुएशन क्या है इसको एक बार रीड कर लेते हैं ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 300 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर रोटेट्स एट ए यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एंड ऑफ end of the rod through an perpendicular to the rod through an end ठीक है calculate the angular momentum of the rod about axis of rotation तो पहले तो angular momentum निकालना है the speed of the center of the rod and its kinetic energy तो rod की kinetic energy निकालना है center की speed निकालना है तो थोड़ा सिचुएशन को ठीक से विजुलाइज करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक ये सपोज एक रॉड है ठीक है और इस ये मैंने बना दी एक रॉड ये रॉड है और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो एक एंड से पास हो रही है तो मैं एक एक्सेस ऑफ रोटेशन और बना देता हूँ यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है और एक्सेस ऑफ रोटेशन की थोड़ा थिकनेस और इंक्रीज कर ले हम ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है ठीक है ये हो गया परफेक्ट डायग्राम अच्छा मास कितना दिया है रॉड का अब हम डेटा लिख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमको रॉड का मास पता है मास है रॉड का m इक्वल्स टू थ्री ग्राम और लेंथ दी हुई है इसकी 50 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा गिवन है और ऐसा SI यूनिट में ही गिवन है टू रेडियन पर सेकंड के बराबर ठीक है तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है देखो एंगुलर मोमेंटम जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर मोमेंटम का यानी कि जई एडवांस के लिए एंगुलर मोमेंटम पर अगर जो क्वेश्चन बनते हैं ना तो फिर उनका लेवल बहुत हाई हो सकता है एंगुलर मोमेंटम बड़ी ही आगे तक जाने वाला कॉन्सेप्ट है उसका तो इस वाले क्वेश्चन में तो खैर उतना नहीं लगेगा क्योंकि इसमें केवल स्पिन इस एंगुलर मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम बेसिकली निकालते हैं दो तरह से दो एंगुलर मोमेंटम एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास को हमने एक पार्टिकल मान लिया उसकी वेलासिटी लिखी फिर सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकाला एम बी सी एम फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया इससे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट आईओमेगा जिसको लिखते हैं ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाता है तो इस क्वेश्चन में केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है आईओमेगा इसलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो ये रॉड रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड टू रेडियन पर सेकेंड से तो इसका एंगुलर मोमेंटम आई मैं सबसे पहले एल लिक, लिखता हूँ आई ओमेगा के बराबर तो जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है तो आई कितना है इसका एम एल स्क्वायर बाय थ्री इनटू ओमेगा अब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मास है 300 तो 300 बाय 1000 uh, कर लो इसको इनटू लेंथ कितनी है 50 तो 50 T बाई हंड्रेड पॉइंट आएगा पॉइंट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉइंट तो उसको मैंने लिखा पॉइंट ओमेगा कितना है टू है डिवाइडेड बाई थ्री तो एल इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा थ्री से तो ये थ्री कैंसिल होगा दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो उड़ा दिए और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव है तो ये पॉइंट फाइव बचेगा ऊपर तो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टेन यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव तो पॉइंट जीरो फाइव ऐसा यूनिट में आ गया यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है ना तो एग्जैक्ट आंसर आ गया इसका तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ा यूनिट इसकी हो जाएगी के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ नर्सिया की यूनिट क्या होती है के जी मीटर स्क्वायर और ओमेगा की रेडियन पर सेकंड होती है तो हम सिंपल क्या लिखते हैं इसको के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है अच्छा अब आ आते हैं पार्ट बी पर पार्ट बी में क्या पूछा है क्वेश्चन में पार्ट बी में कहा गया है द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड तो देखो सेंटर जो है रॉड का वो कहाँ पर है ये रॉड का सेंटर है यहां पर तो मैं जरा बना देता हूँ इसको ये है रॉड का सेंटर ठीक है सी से मैंने इसको लिखा तो ये जो सेंटर है ये जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है रॉड की लेंथ का आधा यानी कि L बाई टू तो L बाई टू रेडियस पे ये चल रहा है तो इसकी स्पीड आएगी v इक्वल टू ओमेगा L बाई टू ओमेगा की वैल्यू है टू और लेंथ कितनी थी फिफ्टी सेंटीमीटर तो इसको लिखते हैं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यानी पॉइंट टू फाइव तो v इक्वल टू ये हो जाएगा पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड तो इसकी स्पीड आ जाती है पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड और शायद आंसर इसमें फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है तो आप उसमें चाहो तो ऐसे लिख दो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसके बाद पार्ट सी है इसका पार्ट सी में क्या पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर तो इसकी कानेटिक एनर्जी इक्वल टू तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और कार्नेटिक एनर्जी भी कौन सी है इसमें रोटेशनल कारेंटिक एनर्जी इसमें ट्रांसलेशनल कारेंटिक एनर्जी हम नहीं लिखेंगे हालांकि चाहे तो हम लिख सकते हैं इसको ट्रांसलेशनल और रोटेशन के कॉम्बिनेशन में लेकिन मैं अभी इस स्टेज पे उसमें नहीं जाना चाहता हूँ आप ये मान के चलो कि जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये वाली इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका जो मोशन है ये प्योर रोटेशन है अगर इसका मोशन प्योर रोटेशन है तो इसकी कार्नेटिक एनर्जी एक ही बार में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से निकल आएगी तो आई आए की जो वैल्यू है वो होगी एम एल स्क्वायर बाई थ्री तो वन बाई थ्री मास था थ्री हंड्रेड ग्राम तो उसको भी जो है मैं लिख लेता हूँ पॉइंट थ्री के जी के बराबर और लेंथ है पॉइंट फाइव का स्क्वायर यानी पॉइंट टू फाइव और ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा कितना है टू है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा फोर तो कैनेटिक एनर्जी आती है Uh, इससे थ्री से पॉइंट थ्री कैंसिल करेंगे तो पॉइंट वन बचेगा ठीक है टू से फोर को कैंसिल कर देते हैं तो टू बचेगा और पॉइंट टू फाइव एज इट इज रह गया तो ये कितना आया पॉइंट जीरो फाइव ही आ गया सॉल्व हो के पॉइंट जीरो फाइव झूल के बराबर तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्कूल लेवल का आपके क्वेश्चन है ये इसको तो जेई मेन्स के लेवल पर भी हम नहीं रखेंगे एडवांस की तो बात दूर है इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की सिचुएशन है ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास टू के जी एंड एज टेन सेंटीमीटर रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स डाइगनल अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट टॉर्क ऑफ पॉइंट वन न्यूटन मीटर कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड कैनेडिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट फिर से पढ़ते हैं क्या हो रहा है समझते हैं इसमें क्या पूछा है ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास टू के जी प्लेट का मास कितना है टू के के बराबर है एज कितना है टेन सेंटीमीटर है रोटेट्स अबाउट वन ऑफ द डाइगनल तो अपने एक डाइगनल के अबाउट रोटेट कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट टॉर्क ऑफ पॉइंट वन जीरो न्यूटन मीटर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है टॉर्क कितना लगा है लेकिन ये टॉर्क लगा कहाँ ये नहीं दिया हुआ है हो सकता है इसमें जरूरत ही ना हो इसकी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम एंड द काटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट तो पांच सेकंड खत्म होने के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताना है तो भाई इसके लिए भी पहले हमें डायग्राम ही बना लेना चाहिए हमको तो हमने बनाया एक डायग्राम ये बना ली हमने एक स्क्वायर प्लेट ये स्क्वायर प्लेट है जरा इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका ये स्क्वायर प्लेट एज इज इसकी वेल well डिफाइन कर दें ये एजेज हो गई इसकी लो और थिक कर दिया ये है और ये रोटेट कर रही है एक डायगनल के अबाउट तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन एक डायगनल है तो वो भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर ये मैंने एक डायगनल बना दिया और डायगनल की भी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा जिससे ये देखे ये डायग्नल है तो इसके अबाउट जो है ये रोटेट कर रही इसको मैं रख लेता हूं जरा इधर ठीक है ये मैंने बना दिया अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक तो मास पता है इसका मास है m इक्वल टू टू के जी और क्या दिया है एज यानी कि इसकी हर एक एज की लेंथ अगर हम ए मान लें तो वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है और डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रही है टॉर्क जो लगा हुआ है इक्वल टू वो है पॉइंट वन न्यूटन मीटर के बराबर अब हमको इसका अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मुझे दो चीज़ें पता होना चाहिए आई और ओमेगा तो आई तो हम निकाल लेंगे डायगोनल के अबाउट कितना होता है उसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो याद होना चाहिए डाइगनल के अबाउट कितना होता है और अगर दूसरी चीज ओमेगा चाहिए अब ओमेगा कैसे निकालेंगे तो हमको मालूम है कि ये अपने डायगोनल के अबाउट रोटेट कर रही है इसके अबाउट तो मैं नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन इसमें लिखूंगा ठीक है तो नेट टॉर्क इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इससे अल्फा निकलेगा तो टॉर्क कितना दिया था क्वेश्चन में पॉइंट वन अब आई कितना होगा आई मैक्सिमम लोगों को ना मोमेंट ऑफ नर्शिया किसके अबाउट होता है रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो कि होता है एम ए स्क्वायर बाई सिक्स मान लो अगर आपको वो याद है और डाइगनल वाला याद नहीं है तो आप क्या करोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थेरम लगाओगे जितना मोमेंट ऑफ नर्शिया इस डाइगनल के अबाउट है इसका आई प्लस उतना ही मोमेंट ऑफ नर्शिया इस वाले डाइगनल के अबाउट भी आएगा तो वो भी आई के वो भी आई ही होगा तो ये आएगा m a square by 12 i की वैल्यू तो डायगनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ नर्चिया है इस डायगनल के अबाउट ये m a square by 12 के बराबर है तो चलो मैंने लिखा मोमेंट ऑफ नर्चिया m a square by 12 और अल्फा ठीक है अब जरा वैल्यू सब्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये होगा 0.1 into 12 upon m a square तो अल्फा की वैल्यू आएगी पॉइंट वन इंटू ट्वेल्व अपॉन मास कितना था टू के जी और लेंथ थी पॉइंट वन मीटर टेन सेंटीमीटर दिए उसको पॉइंट वन लिख लेते हैं पॉइंट वन का स्क्वायर हो जाएगा पॉइंट जीरो वन तो ये हुआ टू से कैंसिल करो ट्वेल्व को तो सिक्स और डेसिमल वगैरह एडजस्ट करने के बाद ये हो जाएगा सिक्सटी तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है सिक्सटी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर काफी ज्यादा आ रहा है अल्फा तो चलो खैर अब हमको निकालना क्या है एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा कितने टाइम के बाद चाहिए फिफ्थ सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट एंड ऑफ द फिफ्थ सेकेंड यानी पाँच सेकेंड पूरे हो चुके हैं तो आफ्टर फाइव सेकेंड एंगुलर वालासुडी निकाल लेते हैं तो ये होगी ओमेगा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वालासुडी जीरो है अल्फा की वैल्यू है सिक्सटी और टाइम कितना है टाइम है इसका फिफ्थ सेकेंड तो ओमेगा इक्वल टू अच्छा मैं पहले इक्वेशन लिख दूँ कौन सी लगा रहा हूँ कई लोगों को अदरवाइज जो नए नए होते हैं एलेवंथ क्लास में क्लिक ना करें मैं ये लगा रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी के बराबर तो ओमेगा इक्वल टू ये जीरो प्लस अल्फा की वैल्यू सिक्सटी और टाइम की वैल्यू फाइव तो ओमेगा कितना आया थ्री हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड के बराबर ठीक है <coughs> तो ओमेगा आ गया है तो अब हम निकाल देते हैं पार्ट ए इसका एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा तो आई की वैल्यू रखते हैं एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व इन ओमेगा तो एम कितना था भाई टू ए कितना था पॉइंट वन मीटर तो उसका स्क्वायर टेन की पावर माइनस टू कर दिया मैंने अपॉन ट्वेल्व और ओमेगा कितना आया है थ्री हंड्रेड तो सिंप्लीफाई करने पर ये होगा सिक्स बाई ट्वेल्व बचेगा सिक्स बाई ट्वेल्व यानी कि वन बाई टू पॉइंट फाइव के बराबर तो ये आ जाएगा पॉइंट फाइव के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये इसका आंसर हो गया पार्ट ए का आंसर आ गया अब निकालते हैं हम पार्ट बी अच्छा मैं साइड हो जाऊं लगता है आपको देख नहीं रहा है यहां से लो भाई तो मैंने अपनी साइड चेंज कर ली अब बी पार्ट में क्या पूछा है पार्ट बी में पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लेट तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी है भाई इसमें ये ये है इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फिर वही काम ये हाफ कर दिया आई की जो वैल्यू है वो होगी एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो वन बाई ट्वेल्व मास कितना है इसका मास है टू के जी और एज की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट वन का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर माइनस टू ये पूरा जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ये मोमेंट ऑफ नर्चिया की वैल्यू है ठीक है इन ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कितना है थ्री तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू दावर फोर तो अब कितना बचा भाई ऊपर था टू और नाइन नीचे था टू इंटू ट्वेल्व टेन की पावर को सेट कर लो तो फोर माइनस टू तो ये स्क्वायर अब टू से टू उड़ा देते हैं थ्री से अगर कैंसिल करेंगे तो थ्री और नीचे थ्री से नहीं भाई टू से नहीं थ्री से ही कैंसिल करो इसको तो ये थ्री बाई फोर आया तो थ्री बाई फोर और टेन की पावर टू को हंड्रेड लिख दें तो ये हो जाएगा थ्री इंटू हंड्रेड बाई फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो ये आएगा सेवनटी फाइव जूल के बराबर तो इसकी कैनेटिक एनर्जी निकल आती है सेवनटी फाइव जूल तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अब ये सडनली आसान क्वेश्चन क्यों शुरू हो गए तो देखो आप क्या है कि तुमसे वर्मा जी जो है एंगुलर मोमेंटम की बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करना शुरू कर दिया उन्होंने पहले टॉर्क के इजी क्वेश्चन शुरू हुए और फिर हम शायद 43 तक आए तो 43 तक जो है बढ़िया क्वेश्चन थे टॉर्क वाले इसके बाद बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम आई ओ मेगा कानेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर पूछ रहे हैं मतलब ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है छोटे छोटे फॉर्मुलों का एप्लीकेशन है इसके बाद आगे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा किस पे बढ़ता जाएगा एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर तो देखते हैं फोर्टी एट में उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट में वो ये कहते हैं कैलकुलेट द रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ड्यू टू इट्स स्प्रिंग मोशन टू द अबाउट दन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अच्छा भाई कैलकुलेट द रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस ड्यू टू इट्स स्प्रिंग मोशन टू दैट अबाउट द सन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन रेडियस ऑफ द अर्थ इतनी है और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अबाउट दिस ठीक है तो देखो इसमें बेसिकली वो क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम जो आएगा स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो होगा आई ओमेगा तो वो किसकी वजह से आएगा कि जैसे अर्थ है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ठीक है तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से क्या होता है दिन और रात होते हैं और अर्थ अपना एक रोटेशन खुद की एक्सिस पर कितने टाइम में पूरा कर जाती है ट्वेंटी फोर आवर्स में तो चौबीस घंटे में एक रोटेशन पूरा कर रही है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं ओमेगा निकाल सकते हैं ठीक है और मोमेंट ऑफ नर्शियर निकालने के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन दी नहीं है क्या लेना है इसको तो हम मान के चलेंगे कि अर्थ क्या है स्पेयर है तो स्पेयर एक सॉलिड स्फेयर मान के चलेंगे इसको तो सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ये रेडियस ऑफ अर्थ मास ऑफ द अर्थ है और ओमेगा की वैल्यू हम लिख लेते हैं टू पाई अपॉन टी क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट करने में टू पाई एंगल से घूमती है ना तो टू पाई अपॉन टी हो गया अब ये आएगा फर्दर फोर पाई बाई फाइव एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन टी और टाइम की वैल्यू कितनी है ये 24 फोर आवर्स है तो इसको लिखना पड़ेगा 24 फोर इंटू तो ये मिनट्स में कन्वर्ट होगा फिर इंटू सिक्सटी करेंगे तो ये किस में आएगा सेकेंड में कन्वर्ट होगा तो ये एल स्पिन है भाई ठीक है ये इक्वेशन नंबर वन अब आते हैं दूसरा वाला जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो एंगुलर मोमेंटम एल ऑर्बिटल में लिख रहा हूँ एल ऑर्बिटल कितना होगा एम मास ऑफ द अर्थ इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एम वी सी एम इन इस वाले आर को क्या नाम दें हम इसको मान लो स्मॉल आर लिख देते हैं तो ये किस वजह से मान लो ये है सन तो सन के अराउंड जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो ये जो रिवॉल्व करेगी तो इसका ये रेडियस है आर अर्थ के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ कहीं है वी सी एम तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा कितना अर्थ का सन के अबाउट सॉरी लीनियर मोमेंटम तो एम वी सी एम ही होगा किसी के भी अबाउट नहीं तो अर्थ का लीनियर मोमेंटम है एम वी सी एम और लीनियर मोमेंटम की यह है डायरेक्शन ये लाइन ऑफ एक्शन है इस पर परपेंडिकुलर खींचूंगा मैं सन से तो आएगा स्मॉल आर के बराबर तो इसका एंगुलर मोमेंट आएगा एम वी सी एम इंटू आर तो ये होता है एम वी सी एम आर अब मास ऑफ द अर्थ लिखना पड़ेगा और सी एम इंटू आर ये है इक्वेशन नंबर टू रेशियो किस किस का पूछा है रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस खुद की एक्सिस यानी एल स्पिन अपॉन एल ऑर्बिटल निकालना है भाई तो देखो एक अच्छी चीज है कि मास कैंसल हो जाएगा इसमें है ना तो उसको मैं लिख रहा हूं फोर पाई एम आर स्क्वायर अपॉन फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी अपॉन एम वी सी एम इंटू आर तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या बचेगा फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्स इंटू वी सी एम इंटू आर अच्छा भाई देखो अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में गिवन क्या चीज थी क्वेश्चन में गिवन था रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है इसको बॉक्स में बंद कर दूं रेडियस ऑफ अर्थ गिवन थी हमको अच्छा मैं साइड हो जाऊं ये दिखा नहीं आपको मैंने लिखा गया रेडियस ऑफ अर्थ गिवन थी और सन और अर्थ के सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि बीच का डिस्टेंस गिवन था यानी कि रेडिय रिवॉल्यूशन जिस रिवॉल्व जिस रेडियस पे करती है अर्थ वो गिवन था स्मॉल आर गिवन था लेकिन इसमें वी नहीं गिवन है तो वी कैसे निकालोगे वी निकालने के लिए भी आपको अपनी जनरल नॉलेज का यूज़ करना पड़ेगा कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अपना एक चक्कर पूरा करती है वन ईयर में खुद की एक्सिस पे घूमती है तो 24 घंटे में पूरा करती है और अराउंड द सन एक चक्कर पूरा होता है वन ईयर में वन ईयर यानी 365 डेज ठीक है तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वी वो किससे निकालोगे ओमेगा इन स्मॉल आर से अब ओमेगा कैसे निकलेगा ये ओमेगा वो पुराना वाला ओमेगा नहीं है ये ओमेगा होगा टू पाई अपॉन टी अब इसमें कितना टाइम लगता है 365 डेज का इनटू आर अब भाई आगे क्या करें इसमें तो 365 डेज को फिर बदलो सेकंड में तो टू पाई अपॉन थ्री सिक्सटी फाइव डेज और एक दिन में कितना टाइम ट्वेंटी फोर आवर्स फिर इसको सिक्सटी इंटू सिक्सटी किया तो इस सेकेंड में कन्वर्ट हुआ इंटू आर अच्छा इससे तो कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कुछ कम हो जाएगा कि और बढ़ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा इसका वी सी एम रखें पर नहीं कम हो जाएगा अब ये जो वी सी एम है मैं यहाँ सब्टीट्यूट करूंगा इस वाली इक्वेशन में तो जरा जगह बनाते हैं इसको हटा देते हैं यहाँ से तो एल स्पिन अपॉन एल ऑर्बिटल कितना आ रहा है ये ये आ रहा है फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी और फिर था वी सी एम इंटू आर तो वी सी एम की जो वैल्यू है वो है टू पाई आर ये टू पाई और ये आर तो टू पाई आर अपॉन तो ये सारा ऊपर पहुंच जाएगा तो उसको ऊपर ही पहुंचा देते हैं टू पाई आर ये ऊपर पहुंच के होगा थ्री सिक्सटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी ठीक है सारी चीज़ें लिख ली ना कुछ छूटा तो नहीं है हाँ एक आर छूट गया है नीचे कौन सा वाला आर जो वी के साथ आर था अभी तो हमने वी की वैल्यू रखी ना तो ये एक और आर यहाँ पर आएगा ये आर ये किसकी वैल्यू दिखा दूं मैं आपको वी सी एम लिखा है मैंने ये इतना ये रेड वाली लाइन के अंदर ये पूरी वी सी एम की वैल्यू यहां रखी है और ये जो आर था यहां पर वो आर आ गया तो अब इससे कैलकुलेशन में क्या कमी होगी ये जो 24 फोर इंटू सिक्सटी इंटू सिक्सटी ये कैंसिल हो रहा है तो कितना बचता है यहां पर ये होगा अच्छा कैंसिल करी लेते हैं पाई भी उड़ रहा है यहाँ से तो ये पाई से एक पाई उड़ा दिया तो बचेगा फोर आर स्क्वायर इंटू थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फ़ोर इंटू सिक्सटी सिक्सटी उड़ जाएगा ये ट्वेंटी फोर इंटू सिक्सटी 60 सिक्सटी ट्वेंटी फोर सिक्सटी सिक्सटी उड़ा दिया अब नीचे क्या बचता है फोर फाइव इंटू टू और आर स्क्वायर ठीक है। हालांकि अब खुद कर लेना चाहिए आप लोगों को इसके आगे तो अब क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया अब यह हुआ है ऊपर 365 सिक्सटी फाइव इंटू और नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू टू टेन और ये कैपिटल आर ऑफ स्मॉल आर का होल स्क्वायर अब इसमें भाई जरूरत पड़ने वाली है अपने को कैलकुलेटर की तो कैलकुलेटर का बिल्कुल हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने में सिक्सटी फाइव इंटू फोर बाई टेन कैपिटल आर कितना था रेडियस ऑफ अर्थ था फोर हंड्रेड किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करके लिख दें इसको तो सिक्सटी फोर इन टू तो ऑलरेडी है किलोमीटर में टेन की पावर थ्री और आएगा तो हो जाएगा सिक्सटी फोर इंटू टेन की पावर फाइव और नीचे था स्मॉल आर वो दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर एट और फिर होगा इसका भी होल स्क्वायर तो ये बचेगा फिर थ्री सिक्सटी फाइव इंटू फोर अपॉन टेन इन टू फोर इंटू सिक्स फोर अपॉन वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव अब टेन की पावर में देखो एट को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एट होगा ऊपर प्लस फाइव माइनस थ्री बचेगा और स्क्वायर होने पर टेन की पावर हो जाएगा ये माइनस सिक्स ठीक है अब ये जो कुछ बचा हुआ है इसमें हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है तो देखते हैं कितना आता है ये आएगा थ्री सिक्सटी फाइव इंटू फोर इंटू सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव फिर डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव फिर डिवाइडेड बाय टेन तो ये आता है सॉल्व करने पर भाई इसमें टेन की पावर में बड़ी गड़बड़ा रही है बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है चलो खैर देखते हैं अभी इसमें सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है ये आ रहा है टू सिक्स फाइव सेवन एट फोर पॉइंट एट 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 इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स कुछ एक आध डेटा में टेन सिक्सटी फोर जो था बुक में देखते हैं क्या आंसर दिया है इसका ये था क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट तो फोर्टी एट का आंसर है टू पॉइंट सिक्स माइनस सेवन आंसर से हमारा बाकी सारी चीजें की पावर में कहीं गड़बड़ हुई है तो कहाँ गड़बड़ है टेन की पावर में समझ आ गया भाई क्या मिस्टेक हुई है मिस्टेक ये हुई है कि जो टेन की पावर एट था यह भी किलोमीटर में था तो इसको हमने चेंज नहीं किया मीटर में थ्री से तो ये टेन इंटू टेन की पावर थ्री इतना हो जाएगा ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर बचेगा टेन की पावर इंटू टेन की पावर माइनस स्क्वायर स्क्वायर सब करने के बाद ट्वेल्व ठीक है तो ये माइनस ट्वेल्व अब यहाँ से टू पॉइंट सिक्स फाइव में अगर इसको लिखना है तो कितने जीरो हट, कम वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हो जाएगा 2.65784 पॉइंट इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव है ना तो अभी आएगा टू पॉइंट फाइव सेवन एट फोर इंटू टेन की पावर माइनस सेवन अब भाई परफेक्ट आंसर आ गया तो ये इसका आंसर है तो हम कहाँ गड़बड़ कर गए थे हमने रेडियस ऑफ अर्थ में तो चेंज मीटर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था इसको टेन की पावर फाइव लेकिन चेंज यहाँ नहीं किया था ये टेन की पावर एट है ये किलोमीटर में है तो इसको हमने टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट किया और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो पावर भी सही आ जाएगा ठीक है तो ये था इस क्वेश्चन का सोलूशन डिस्कशन और इसको हम यहीं पर अब अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 49 की सिचुएशन को अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 ये कहता है टू पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन एंड एम टू आर ज्वाइंट बाई ए लाइट रिजिट रॉड ऑफ लेंथ एल तो जो रॉड है उसका मास नेगबल है जीरो मास लेंगे हम कैलकुलेशन में लेंथ आर के बराबर है द सिस्टम रोटेट्स एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड पार्पेंडिकुलर टू द रॉड शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज एल इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा वे आर मी वी रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम डिफाइंड एज एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो सिचुएशन को और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं हम एक डायग्राम तो so, डायग्राम में हमको लेना है एक मासलेस रॉड तो हमने मान लिया कि यह है रॉड so, और दो पार्टिकल्स ज्वाइन करने एम वन एम टू मास के तो दो पार्टिकल और ज्वाइन कर देते हैं हम यहाँ पर तो एक पार्टिकल है यहाँ पर और इसको भी हम एक पार्टिकल ये बना दिया m1 मास का और दूसरा पार्टिकल बना देते हैं यहाँ पर इसका मास कितना है m2 टू ये पूरा सिस्टम हमने बना दिया है ठीक है और ये सिस्टम रोटेट कर रहा है किसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है एक्सेस ऑफ रोटेशन कौन सी है जो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास होती है रॉड की लेंथ की परपेंडिकुलर है तो मैं मान लेता हूँ कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सेस है इसकी वो है ये वाली और ये बना दी हमने एक्सेस एक्सेस का कलर चेंज कर देते हैं चाहो तो ये एक्सेस है ठीक है अब देखती है क्या होता है तो सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया है ये इस वाले पार्टिकल से और दूसरे वाले पार्टिकल से है ये डिस्टेंस इसका मास मान लेते हैं m1 वन और राइट साइड वाले पार्टिकल का मास m2 टू के बराबर है m1 वन का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r1 वन और m2 टू का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r2 टू और सेंटर ऑफ मास कहाँ पर ले लिया है हमने यहाँ पर जहाँ से ये एक्सिस पास हो रही है ठीक है ये है एक्सिस अच्छा अब इसमें एंगुलर स्पीड कितनी जिससे ये रोटेट होती है वो है द सिस्टम रोटेट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा तो देखो पहले लिख लेते हैं क्या क्या मालूम है हमको एम वन मालूम है एम टू मालूम है ओमेगा मालूम है रॉड की लेंथ आर मालूम है अब हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है तो सेंटर ऑफ मास में मैं चेक करता हूँ हालांकि ये सब कैलकुलेशन आप लोगों ने किया हुआ होगा अगर मुझे एम वन से डिस्टेंस निकालनी है सेंटर ऑफ मास की ठीक है तो कितनी होगी तो ये जो टोटल डिस्टेंस है एम वन और एम टू के बीच में वो रॉड की लेंथ के बराबर है आर मैं मान लेता हूँ कि M1 पर ओरिजिन है फिलहाल इस कैलकुलेशन के लिए और मैं लिख रहा हूँ एक्स सी एम इक्वल टू या आर सी एम ही लिख देते हैं सब कुछ R में है तो आर सी एम इक्वल टू एम वन इंटू जीरो प्लस एम टू इंटू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू ये क्या किया मैंने मैंने इसको कैलकुट सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ कहाँ से M1 से कितनी डिस्टेंस पर है यानी कि M1 को मैंने ऑरिजिन लिया तो अगर M1 को ऑरिजिन लिया तो M1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ज़ीरो और M2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा R तो सेंटर ऑफ मास आएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपन एम वन प्लस एम टू तो एक्स वन की वैल्यू उसके लिए ज़ीरो है और इसके लिए कितनी है आर के बराबर तो आर सी एम इक्वल टू एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू के बराबर ये सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है कहाँ से है ये एम वन से है यानी कि ये आर वन की वैल्यू है तो ये वैल्यू आई हमारे पास आर वन की आर टू कितना आएगा आर टू आ जाएगा आर माइनस आर वन के बराबर ठीक है तो आर माइनस आर वन जब हम करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी एम वन आर अपॉन एम वन प्लस एम टू ये आर टू की वैल्यू आ गई दोनों में फर्क क्या है देखो आर अपॉन एम वन प्लस एम टू दोनों में सेम है लेकिन फर्क किसका है आर वन का और आर टू का सॉरी एम वन का और एम टू का जब हम आर टू निकालते हैं जब हम इस वाले पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसमें मास किसका है न्यूमिरेटर में एम वन का ध्यान रखना आगे भी बहुत काम आएगा ये और अगर हम सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालते हैं एम वन से तो न्यूमरेटर में एम वन का मास नहीं आता है दूसरे वाले पार्टिकल का आता है तो ये चीज काफी यूजफुल है और काफी जगह इसकी जरूरत पड़ेगी तो याद रखना अब हमको क्या करना है इसमें अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आप कैलकुलेट करिए इसका एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट तो इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू ये होगा ओमेगा अब दोनों पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ नर्शिया है वो लिखते हैं तो ये होगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ नर्शिया होगा एम टू आर टू स्क्वायर इन टू ओमेगा तो एल इक्वल टू एम वन आर वन का स्क्वायर करते हैं तो आर वन की जो वैल्यू आई थी वो थी एम टू तो ये हो जाएगा एम टू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर प्लस एम टू एज इट इज और आर टू का स्क्वायर कर देते हैं तो आर टू के स्क्वायर में आएगा एम वन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर इन टू कितना हो गया ये ओमेगा के बराबर तो एल इक्वल टू अब इसमें कॉमन क्या क्या, -क्या निकल आएगा न्यूमरेटर में से देखो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एम वन एम टू कॉमन आ रहा है तो एम वन एम टू आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दें तो ऊपर कितना बचता है ऊपर बचेगा इसमें एम टू अच्छा एम वन प्लस एम टू भी नीचे से कॉमन निकाल दो तो अपॉन एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो ऊपर बचता है एम टू प्लस और जो ये वाली टर्म है इसमें से केवल बचेगा एम वन तो ऊपर एम वन प्लस एम टू है नीचे एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर है तो फाइनली एल की वैल्यू कितनी आती है एल आ जाता है एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू आर स्क्वायर ओमेगा और क्वेश्चन में एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू को कहा गया है कि रिड्यूस्ड मास है और इसको जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, वो है म्यू तो उसको हम लिख देते हैं म्यू ये आर स्क्वायर इंटू ओमेगा और ये इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम आएगा म्यू आर स्क्वायर ओमेगा ये जो रिज़ल्ट आया ना इसको याद भी रखना ये आगे कई जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज़फुल होगा जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहते हैं कर रहे होते हैं तो कई छोटी छोटी चीज़ें अगर हमको याद हों तो हमारा जो है कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है जिससे कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और हमारी जो रैंक है उसको इम्प्रूव होती है तो छोटी छोटी चीज़ें जो डायरेक्ट रिज़ल्ट है वो हमको याद भी रखने चाहिए और उनका कैलकुलेशन भी आना चाहिए करना कि आया कहाँ से है क्योंकि सिचुएशन अगर बदल जाएगी तो आपको डायरेक्ट ये यूज़ नहीं करना है ये वाला किस स्पेशल केस में एप्लीकेबल है जबकि रॉड में मास नहीं है ठीक है और ये दोनों पार्टिकल हैं अगर ये स्वेयर है ये भी स्वेयर है या एक बॉडी सिलेंडर है एक स्क्वेयर है तो सब कुछ बदल जाएगा तो उस सिंपल केस के लिए ये रिजल्ट यूज करना है जिसमें दोनों पार्टिकल हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है और अगर ये कनेक्टेड भी हैं आपस में तो मासलेस रॉड से कनेक्टेड है ठीक है चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका डिस्कशन हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये कहता है ए कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ऑफ हाफ के जी तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो लिखते चलते हैं एक इंफॉर्मेशन ये गेवन है कि मास कितना है हर एक का हाफ के जी के बराबर है ठीक है हाफ के जी कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइट रॉड तो रॉड की जो लेंथ है वो गिवन है हमको फिफ्टी सेंटीमीटर और मास कितना लेना है रॉड का जीरो लेना है यानी कि नेग्लिजिबल लेना है द डम्बेल इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्सड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है एंड एंगुलर स्पीड ऑफ टेन रेडियन पर सेकेंड तो एंगुलर स्पीड लिख लेते हैं हम टेन रेडियन सेकेंड एन इंपल्सिव फोर्स ऑफ एवरेज मैग्नीट्यूड फाइव न्यूटन एक्ट ऑन वन ऑफ द दासीज तो इस पर जो फोर्स लगा है उस फोर्स का एवरेज मैग्नीट्यूड कितना है फाइव न्यूटन है फोर्स तो इंपल्सिव है इंपल्सिव फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं टाइम के साथ वो बदलते हैं लेकिन इसमें उसकी एवरेज वैल्यू दी हुई है फाइव न्यूटन ठीक है एक्ट्स ऑन एक्ट्स ऑन वन ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलासिटी फॉर पॉइंट वन सेकेंड यानी कि जो डम्बल है वो ऑलरेडी रोटेट कर रहा था उस रोटेट करते हुए डम्बल पर जो एवरेज फोर्स लगा है वो कितना है फाइव न्यूटन का है फॉर पॉइंट वन सेकेंड तो जितने टाइम तक लगा है वो टाइम दिया है पॉइंट वन सेकेंड का फाइंड द न्यू एंगुलर वालासिटी ऑफ सिस्टम यानी कि इसमें हमको यूज़ करना है इम्पल्स का ठीक है तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले इसके लिए तो ये है डम्बेल और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट ये कर रहा है वो एक्सिस पास होती है सेंटर ऑफ मास से ही। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है तो ये सेंटर ऑफ मास है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ये मैंने बनाई एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यह घूम रहा है तो इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड तो हमको पता है तो जो फोर्स लगा इस पर उस फोर्स की वजह से एंगुलर इम्पल्स कितना लगेगा इस पर हम ये देखते हैं तो एंगुलर इम्पल्स अच्छा करना क्या है मैं थोड़ा और ये बता दूं। एंगुलर इम्पल्स होता है टॉर्क इनटू डेल्टा टी और ये किसके बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के यानी एल टू माइनस एल वन और ये वेक्टर फॉर्म में है ठीक है अब हमको लिखना है एंगुलर इम्पल्स की वैल्यू तो एंगुलर इम्पल्स को मैं लिखता हूँ यहाँ से जो टॉर्क है वो कितना होगा तो एवरेज फोर्स गिवन था क्वेश्चन में फाइव और फाइव इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जो डम्बल है उस पर फोर्स ऐसे लगाया गया है तो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यानी कि हाफ ऑफ़ द लेंथ ऑफ द रॉड के बराबर तो उसको हम लिखते हैं पॉइंट टू फाइव ऐसा यूनिट में तो फाइव इंटू पॉइंट टू फाइव तो क्या हुआ टॉर्क हुआ और टाइम कितना है पॉइंट वन सेकेंड है तो उसको लिखा हमने पॉइंट वन इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो सपोज मोमेंट ऑफ नर्शिया कितना है आई है अगर इसका है तो आई इंटू ओमेगा टू माइनस आई इंटू ओमेगा वन ठीक है और ये सिम्पलीफाई करने पर हमको मिलेगा फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द माइनस थ्री इक्वल टू आई को मैं फिलहाल आई के बराबर ही रखता हूँ है ना और ओमेगा टू तो हमको कैलकुलेट करना है माइनस ओमेगा वन कितना दिया था क्वेश्चन में टेन था तो इसको हमने टेन कर लिया तो चलो अब इसको हम अभी फिलहाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन और मोमेंट ऑफ नर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो मोमेंट ऑफ नर्शिया आएगा एक का आएगा डंबल को हम पार्टिकल मान डंबल के साथ में जो पार्टिकल अटैच्ड है ये इसको हम पार्टिकल मान के चलेंगे ठीक है स्मॉल बॉल दिया है ना तो स्मॉल बॉल को हमें स्क्र नहीं लेना स्मॉल वर्ड का यूज किया इसका मतलब है हम इसको क्या लेंगे पार्टिकल लेंगे तो इसको जब हम आगे बढ़ेंगे इस पर तो I इक्वल टू तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्यों किया क्योंकि दो पार्टिकल है ना यहां पर अब इनका मास रखते हैं टू इन टू मास कितना है हाफ के जी है तो हाफ और रेडियस कितना था या जिस रेडियस सर्कुलर पाथ के रेडियस पर ये घूम रहा है वो कितनी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर कर देंगे तो ये वन बाई टू और पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर आगे बचेगा टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर हुआ सिक्स ट्वेंटी फाइव इन टेन टू दावर माइनस uh, फोर के बराबर तो ये क्या आ गया ये आ गया है मोमेंट ऑफ नरशिया इसका <coughs> तो मोमेंट ऑफ नर्शिया की अब हम वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं तो फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू रख रहा हूँ मैं इंटू टेन टू दिवर माइनस थ्री इक्वल टू आई की वैल्यू है सिक्स ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू दिवर माइनस फोर इंटू का टू माइनस टेन ठीक है अब मुझे अपनी पोजीशन फिर शिफ्ट करनी है तो यहाँ कर दिया अब ये होगा आ, फाइव इन ट्वेंटी फाइव अपन सिक्स ट्वेंटी फाइव टेन की पावर वन रह जाएगा और ये ओमेगा टू माइनस टेन 25 से कैंसिल किया 625 को दिया तो 25 5 से कैंसिल किया तो फिर 5 10 बाई फाइव हो जाएगा 2 तो ये आता है 2 इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस टेन और सिंप्लीफाई करने पर ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी 12 तो इसका आंसर भी यही दिया हुआ है आंसर मैंने ऑलरेडी देख लिया है इसका तो 12 रेडियन पर सेकेंड के बराबर ठीक है तो ये आंसर है इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं करना पड़ा हालांकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं वर्मा वर्माशर की बुक के कि जिसमें आंसर में हमको अप्रॉक्सीमेशन करना होता है जो हमारे आंसर आते हैं उस तब बुक के आंसर से वो मैच करता है ठीक है तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था अभी सिंपल इसलिए क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन करा दिया है उन्होंने एंगुलर मोमेंटम का और एंगुलर इम्पल्स का इस क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन करा दिया है तो अब धीरे धीरे तैयार रहो आगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होगा फिनिश होगा और हम 51 से फिर स्टार्ट करते हैं नया डिस्कशन